हैं वो ज्यादातर इसको, उनका गैप बहुत ज्यादा होता है आम लोगों से। तो ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये क्योंकि वी आर फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड, वी आर डिजिटल पाकिस्तान, वी आर प्रैक्टिकल पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल जो भी मेंबर्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान के इवन बाहर भी हैं, तो फिर हमारा मकसद आई थिंक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था एंड नाउ कनेक्टेड अगेन. सारे आपका माइक मुल्क, ऑफ है. जी, सारे मुल्क में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि रात से एक ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा था, और उसी की वजह से आई फील के शायद ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वरना हमारे कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होता था। अहमद नसीर, आपने जो पूछा हमारा आज का ये जो लाइव भी अभी जा रहे हैं, और हमने एक ये जूम मीटिंग रखी है और इसके अंदर हम खुली कचहरी कर रहे हैं, वो यही है कि हम एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि जो लोग आम लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आज के दौर में टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो वक्त के जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, उन तक अपने मसाइल पहुंचा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि वजीर आजम साहब ने खुद कहा कि वो मदीना की रियासत को की तरह का लेकर एक निजाम चलते हैं, चलना चाहते हैं, और हम तो दुआगो हैं कि खुदा करे अल्लाह उनकी खास तौर पर मदद फरमाए अपने प्यारे हबीब के सदके, क्योंकि जिस तरह वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं उसी चीज को सामने रखते हुए। तो मेरी हर जगह पे ये गुजारिश होती है कि देखिए, अगर हम रियासत मदीना की बात करें तो उस वक्त में चंद लोग थे, उनकी एक्सेस एक दूसरे को और जान पहचान थी तकरीबन सब लोगों की एक दूसरे के साथ, चूंकि वो एक कबीले से थे, एक खानदान से थे, एक अरसा उन्होंने साथ गुजारा था। आज का जो वक्त है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर हम अपनी कौम की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, अपने आवाम की बात करें, तो हमारे पास इस वक्त में 24 से 25 करोड़ लोग हैं, पूरी हजारों किलोमीटर का हमारा जो है वो रकबा है, और उसमें बॉर्डर को ही अगर देखें तो हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है, और अंदरूनी तौर पर भी मसाइल हैं, बैरूनी तौर पर भी मसाइल हैं। आई पर्सनली फील आम लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको अगर हम जिम्मेदारों तक, ओहदेदारों तक पहुंचाना चाहें, तो मेरी नजर में जो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त में तरीकाकार है वो यही है जो टेक्नोलॉजी का है। अगर मैं ये कहूं कि आज हमारे जो मिनिस्टर साहबान हैं वो एक हफ्ते में एक दिन 1-2 घंटे के लिए अगर खुली कचहरी करें, और ये मैं जरूर ये वाली वीडियो मुख्तलिफ मिनिस्टर साहबान तक पहुंचाऊंगा, दिखाऊंगा, ताकि उनको ये पता लगे कि आने वाले वक्त में इस चीज को एडॉप्ट करके अल्लाह ने अगर उनको एक ओहदा दिया है, एक जिम्मेदारी सौंपी है, तो वो अपने ओहदे से अच्छे तरीके से ओहदा भरा हो सकते हैं। नाउ ओवर टू रबिया, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ये आपने बहुत, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा सोचा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. तो इसमें सब जो आपसे बात करना चाहेंगे, जो क्वेश्चन करना चाहेंगे, उन लोगों को, तमाम लोगों को एक्सेस है कि वो आए इस जूम मीटिंग और जूम लिंक के जरिए और आके अपने क्वेश्चंस करें. और क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है कि आप अगर क्वेश्चन गलत भी करते हैं या क्वेश्चन जो भी हो, आप क्वेश्चन करें, आपको उसका आंसर मिलेगा. सो इस जूम मीटिंग या इस खुली कचहरी में आके आपको, आप चाहे वो किसी कारोबारी लिहाज से, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन करें या हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, सो यू हैव एन ओपन प्लेस. ये वाला प्रोग्राम खास तौर पर इसीलिए डिजाइन किया हमने किया कि भाई इसमें आम लोगों को ओपन एक्सेस हासिल हो, कोई भी आए, कोई भी क्वेश्चन करे एंड देन दे गेट द आंसर ऑफ दैट. और ये मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि किसी ना किसी को तो रोल मॉडल बनना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को एक ट्रेंड सेट करना पड़ेगा कि आके आप जो है आवाम के सामने पेश हो या उनकी खिदमत में हाजिर हो और उनसे कहें कि उनको इंकरेज करें कि वो उनको आप तक एक्सेस भी है और उनकी बात भी सुनी जाएगी और उनकी दादरसी भी की जाएगी. सो किसी ना किसी को तो ये लीड लेनी है. सो आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू आर डूइंग दैट एंड आई एम होपफुल
कि जो चीज सही नियत से स्टार्ट की जाती है और पहला स्टेप उसके लिए लिया जाता है तो अल्लाह ताला मदद करते हैं उसके लिए। सो आई एम सो हैप्पी। मैं एक और चीज कह दूं, बिल्कुल मैं इस बात से नहीं घबराऊंगा, बिकॉज मैं कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी, हम सारे ही हम कोई बहुत बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है। मैंने जैसे कैसे कोशिश की, मुझे अपने ही उस पर नहीं पता लग रहा कि ये जो लाइव आ रहा है ये कौन से हमारे पेज पर, या मेरा जो ये अपना मेजर अकाउंट है मेन फेसबुक पर, उस पर अगर कोई साथी इस पर लिख कर बता सकें कि ये आप कौन से पेज पर हमारे देख रहे हैं या किस जगह पर लाइव देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी 12 लोग इसको देख रहे हैं। ये सैफ अफरीदी भाई ने लिखा है 70% पाकिस्तानी वेल सॉल्व देयर जॉब प्रॉब्लम। सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन अफरीदी साहब, कि 70% पाकिस्तानी जो हैं वो अपने जॉब के प्रॉब्लम हल कर लेते हैं। ये तो देखिए फिर वही बात है कि वो जब कहते हैं कि मरता क्या ना करता, जब एक शख्स जब उसको कुछ सहूलत नजर नहीं आ रही तो डेफिनेटली वो आज खुद अपने लिए तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो हम टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना चाहते हैं और जो बताना चाहते हैं वो ये है कि इवन आज अगर देखें, हाँ यस एग्जैक्टली वेरी ट्रू सैफ अफरीदी, आई एम फुल्ली एग्री विद यू। इन्होंने एक कमेंट लिखा है जी इस पर कि ये जो अमेजोन और ईबे पे अपना काम करके, दैट्स व्हाट आवर मोटिव इज, कि जितने हमारे बच्चे बच्चियां जो बेरोजगार हैं उनको इस तरफ लाया जाए कि वो डिजिटल पाकिस्तान के उसमें डिजिटल वर्ल्ड में आए, डिजिटल पाकिस्तान के लोग उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसमें जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताने का मकसद ये है कि वो उस तरह की पॉलिसीज बनाएं कि जिससे आम लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल अफरीदी साहब आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं ओपनली कहता हूं, हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि 9 साल की एक बच्ची है, वो 1.5-2 साल से वो काम कर रही है, 1 मिलियन महीने का वो इस पे अमेजोन पे कमाती है। तो इसलिए जी नजीब आप कुछ कहना चाहेंगे? नजीब ओवर टू यू बेटा। जी सर, मेरा एक सवाल है जो ना अक्सर पूछा करता हूँ सर। जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, अगर पाकिस्तान में हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे सर अमेजोन है, पेपाल है, ये एक बड़ी कंपनीज है जिनको पाकिस्तान में आना चाहिए, तो आप क्या समझते हो क्या रीजन है इनके पीछे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में अपने जो है ना इनिशिएटिव अपने जो स्टेप्स नहीं ले रहे। लाइक पेपाल ऐसी सर्विस है जिसकी मदद से हम जो है ना बहुत सारे अपने ऑनलाइन काम सर अंजाम कर सकते हैं। लेकिन वो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक्चुअली अगेन मैं ये कहूंगा कि जब हमारे जो वक्त के ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, हुकूमत वक्त है, अगर वो टेक्नोलॉजी को समझेंगे, टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और सब एक जगह होकर खड़े होकर कहेंगे कि हमने ये काम करना है तो बहुत आसान हो जाएगा। वरना हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मुल्क को बिलखसूस जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको हमेशा हर तरह का बेनिफिट उठाने से रोका जाता है। जैसा कि अगर हम ये कहें कि जब दुनिया में 1981 में आईटी का दौर शुरू हुआ, हमारे मुल्क में 2000 तक आईटी पर कोई काम ही नहीं हुआ। ये तो अल्लाह खुश रखे डॉक्टर अताउर रहमान का कि वो 2000 के बाद आए, जो भी गवर्नमेंट थी उसको छोड़ दीजिए, उन्होंने आकर मोबाइल में लेटेस्ट सिस्टम जो सीमेंस के साथ था, जो ये अपना स्कैंडिनेविया की कंपनीज थी उनको लेकर आए, मोबाइल को अपग्रेड कराया, स्मार्टफोन का दौर आया और हमारे लोग आगे बढ़ना शुरू हुए। इसी तरह अगर हम ये कहें कि ये जो पेपाल है या अपना अमेजोन है, इवन यहाँ तक के दराज भी वो रन होता है इस वक्त में अलीबाबा के थ्रू, तो हमारे पास तो ईबे नहीं है, पेपाल नहीं है, अमेजोन नहीं है, इवन अलीबाबा नहीं है, अलीपे नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि उनको हमारी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है कि कल को कोई भी आएगा और आकर, जैसा कि हुआ, एक टेलीफोन कॉल पर अगर टिकटॉक बंद कराया जा सकता है, यूट्यूब बंद कराया जा सकता है,
ये जो अपना पबजी गेम बंद कराई जा सकती है, तो कोई भी प्रोग्राम बंद कराया जा सकता है विदाउट एनी लॉजिक, ये अलहदा बात है। इन तीनों को खुलाने के लिए मैंने बहुत एफर्ट किए, खास तौर पर टिकटॉक के लिए मैंने वजीर आजम तक अपनी दरखास्त पहुंचाई, प्रेसिडेंट को कहा, अपनी मीटिंग में जो हमारी आईटी कमेटी की मीटिंग है उसमें हमने बुलाया जनरल आमिर जो पीटीए के हेड हैं, उन्होंने माना इस बात को कि जी आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि जो, फिर मैंने उनको एक बार एक मिसाल ये दी कि अगर आपको एक लाइब्रेरी में चार किताबें पसंद नहीं है, हो सकता है जो वक्त का जो ओहदेदार है जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ हों वो चार किताबें, हो सकता है किसी मजहब के खिलाफ हों फिरके के खिलाफ हों, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी लाइब्रेरी को आग लगा दें, ताला लगा दें, बंद कर दें। इस बात पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैंने कहा आप सिस्टम बनाएं। उन्होंने कहा जी कि ये जो कंपनियां हैं ये हमारी बात नहीं मानती, हमसे लाइसेंस नहीं लेती। आई सेड लुक, हम उनको हमारी जरूरत नहीं है, अगर हमारे मुल्क में वो हमारे मुल्क से उनको क्या बिजनेस मिलता है, कुछ नहीं। हालांकि हम 25 करोड़ आवाम है, रीजन बीइंग हम पैसे खर्चते ही नहीं है इन चीजों पर, क्योंकि अभी हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है, अभी इसकी अफादियत का हमें नहीं पता है। जिस वक्त अब जैसे टिकटॉक अगर हम देखें तो टिकटॉक में लोग अब जो है वो समझने लग गए हैं। मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला टिकटॉक सेनेट की कमेटी मीटिंग से बनाया, उसी वक्त में बनाया, उसके बाद अगला टिकटॉक मैंने इवन पार्लियामेंट से बनाया, और वो इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जब एक चीज आप ऑन एयर कर रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान को आपने टेलीविजन को एक्सेस दी भी है, और उसी चीज को अगर मैंने भी इस्तेमाल कर लिया और अपने सिस्टम से उसको ऑन एयर कर दिया तो कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, वेलकम खदीजा, आप आ गए हो बेटा, अगर कैमरा ऑन कर लो तो दैट इज बेटर, जरा पता लगेगा, कोई इशू तो नहीं है, आप देख लें। तो मैं ये कहूंगा कि ये छोटी एक और बात है, देखिए जब मैं पहले दिन, आज से कोई तकरीबन 2.5-3 साल पुरानी बात है, ये जितने हमारे ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, और खास तौर पर ये जो फ्रीलांसर्स हैं, इनका एक कन्वेंशन वहां हो रहा था, वो हिशाम इज लाइक माय यंगर ब्रदर, आई नो हिम सिंस लॉन्ग, तो हिशाम ने वो कंडक्ट किया था, उन्होंने हिशाम ने मुझे बुलाया था उस प्रोग्राम में, तो वहां पर 7,000 से ज्यादा बच्चे बच्चियां बैठे हुए थे, उनका एक ही मामला था कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो नहीं खुलता था, और एक बच्ची ने आकर मुझे, वो हैंडीकैप थी, मुझे बड़ा मतलब दुख हुआ उस बात पर कि वो कहीं मुल्तान से आगे कोई जगह है वहां की रहने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं, देखिए मैंने काम किया, मैंने फाइवर से काम करके और किसी का ऑर्डर था उस पर काम किया, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने मुझे कहा आप अपना बैंक अकाउंट दें, तो मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, मैं जब बैंक अकाउंट खुलाने गई तो वो मुझे बैंक अकाउंट नहीं खोला गया और वो मेरे पैसे जाया हो गए। उसके बाद फिर मैंने ये अजम किया, अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने बहुत से बैंक्स को उसमें इन्वॉल्व किया, और ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है ये भी मैंने गवर्नमेंट को प्रपोज किया था कि अगर हम इस तरह की कोई चीज शुरू करें कि जिसमें अपने बैंकों को, स्टेट बैंक को, हमारे सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो फाइनेंस कमेटी है, आई एम द मोस्ट एक्टिव पर्सन इन दैट, कि उसमें हमने उनको लिख कर दिया कि जी आप, एक मिनट जरा मैं इनको लॉग इन कर लूं, ये ओप्पो ये फोन है आपका, आपका नाम नहीं है, ये ओप्पो के नाम का फोन है, जरा देखिएगा कौन सा है, इंजमाम भी आ गए हैं जी। मेरी अगेन सबसे यही आई सजेस्ट कि अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें तो दैट वुड बी बेटर। जी इंजमाम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम खदीजा, फहद अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कैमरा ऑन कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए, हम सब आपको सुनना चाहेंगे। सर मेरा एक और सवाल था, कैन आई आस्क? जी 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 पूछिए पूछिए प्लीज, मैं बैठा ही बैठा इसलिए सर, के लिए जी, और मैं सर, हम ज्यादा लोग होंगे, प्लीज जी सर, सर जैसे आपने
जो आपने पॉइंट्स बताई दे आर टोटली मतलब काफी हद तक सही है। अगर हम अमेजोन और पेपाल से हटके बात करें तो बाहर के मुल्कों में जो है ना आजकल व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, लोग व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों से पैसे ले रहे हैं। और सबसे बड़ा जो फीचर फेसबुक ने लॉन्च किया है सर वो है एड ब्रेक, वो पाकिस्तान में अभी तक मतलब लॉन्च, वो बोल रहे हैं कि नो लॉन्गर अवेलेबल ये कंट्री। तो क्या वजुहत है जब फेसबुक हम पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं तो फेसबुक की सर्विसेज पाकिस्तान में क्यों नहीं यूज कर सकते? जैसे उन्होंने एड ब्रेक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसकी मदद से हम मोनेटाइज करके अपने अर्निंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो एड ब्रेक अभी तक मेरे नॉलेज में है, ये उन्होंने ट्रायल के ऊपर शुरू किया है और दे हैव अ प्लान के जनवरी एंड में वो पाकिस्तान को भी उसमें डालेंगे। बिकॉज अब मैं कहना नहीं चाहता, एक बड़े हाई अप में हमारे एक दोस्त हैं जो फेसबुक के अंदर बहुत बड़े ओहदे पर हैं। और एक और हमें नहीं भूलना चाहिए, जैसा मैंने कहा कि हमारे बच्चों को बिलखसूस आईटी के जो बच्चे हैं उनको दूर रखा गया एक साजिश के तहत, मैं तो ये कहता हूँ ओपनली। और हमारा दुश्मन इतना कामयाब है कि अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आप देखिए, ओपनली कहता हूं, इंडिया के लोग कहां कहां बैठे हैं, किस किस आईटी कंपनी में वो कहां पर हैं, और उन्होंने हमारी लाइंस के ऊपर काम किया, लेकिन चूंकि उन्होंने डिलीवर किया इसलिए उन्होंने अपने लोगों को वहां बैठा दिया है। आज जो पॉलिसी बनती है वो इंडियन बच्चों के फायदे में होती है, पाकिस्तानी बच्चे के लिए किसी सूरत भी या ओवरऑल पाकिस्तान के लिए नहीं होती। इसीलिए हमें भी उतनी स्पीड से आगे आना है कि हम उनके बराबर खड़े हो सकें। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत बेहतरी होगी। जी अपना फहद, आप कुछ बोलोगे बेटा? आप सुन सकते हो मुझे? खतीजा आप सुन सकती हो? ये अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस सुन। बोलिए बोलिए, आप अपना माइक ऑन कीजिए, मैंने सबके माइक ऑन किए हैं। जी भाई आप बोलिए, ओप्पो वाले। आई एम सॉरी, अब मुझे और तो कुछ कहना नहीं आ रहा, आप नाम बताइए। मेरा नाम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियातिक सर, मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ गालिब है। माशाल्लाह, ये नाम तो हम भूल ही नहीं सकते जिंदगी भर भाई। बिल्कुल, और नाम भी पूरा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन गालिब ही है, लेकिन जी, मसला ये है कि मैं एक सोशल एंड यूथ एक्टिविस्ट हूँ और यूथ पार्लियामेंटेरियन हूँ, इलेक्टेड फ्रॉम यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान, और स्पीकर एंड ट्रेनर हूँ। तो जिस तरह आपकी सेनेट में या नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन होती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, डिबेट होती है, तो हमारा भी तरीका कार कुछ इसी तरह का है कि हम लोग यूथ पर और जो आने वाला हमारे टारगेट्स हैं या हमारे लिए चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, तो हम उस पर डिबेट्स करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू यूथ। तो आपको पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपने खिताब लिया डिजिटल सेनेटर का, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर साहब बड़ी माजरत आपके साथ बेटा, मैं आपको जरूर सुनता हूँ। ये हमारे बड़े भाई हैं, अमजद भाई, अमजद परवेज साहब, इनका तो तारुफ बिल्कुल मतलब है पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को है। वेलकम अमजद भाई। बिल्कुल, अगर आप अपना माइक ऑन कर लें अमजद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं अमजद परवेज साहब? हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? परफेक्ट परफेक्ट, आई कैन हियर यू। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इट्स माय प्लेजर जी, मेरी ड्यूटी है, मेरा ऑनर है, मेरा मुल्क है, आप मेरे भाई हैं, तो अगर हम आपको ज्वाइन नहीं करेंगे तो किसको ज्वाइन करेंगे? थैंक यू वेरी मच सर, आई एम रियली ऑनर्ड, ट्रस्ट मी। मैंने ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला काम शुरू किया है और मैं अभी कुछ दोस्त हैं उनको ये वीडियो आप ही के पहली जो है वो भिजवाऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि ये प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, ताकि जो आपका कोई सवाल हो वो जो लोग जो कंसर्न हैं उनको, क्योंकि आईटी मिनिस्टर को तो मैं ये पूरी दिखा दूंगा। ओके जी, तो मुझे आप बता दें कि ये टॉपिक क्या है? एनीथिंग अमजद भाई रिलेटिंग टू दिस डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटलाइजेशन, आप गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहें, आईटी मिनिस्टर को पहुंचाना चाहें, इंशाल्लाह आई विल बी द वाया मीडिया टू डू दैट।
देखें मेरे भाई, जब भी कोई आप किसी चीज की इब्तिदा करते हैं तो हम मुसलमान जो है बिस्मिल्लाह करते हैं, और एज ए नेशन जो है हम इकट्ठे होके उसको उसकी फाउंडेशन रखते हैं। तो मैं बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ। तो देखें, मैं पिछले 35 साल से यूरोप में यहाँ की जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, जो प्राइवेट और लोकल और रीजनल और नेशनल इंटरनेशनल अदारे हैं, वहाँ पे मैं पॉलिसी स्ट्रैटेजी, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो पिछले 3 साल से आपको पता है कि जंप स्टार्ट पाकिस्तान के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे सामने एक चीज जो है ना वो ये आई है कि जब तक देखें, अगर आप पर्सनली किस जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका एक विजन होना चाहिए। विजन के साथ आपके गोल्स और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जिसके ऊपर आप फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके कोशिश करें कि अल्लाह ने जो आपको स्किल्स और जो अकल दी है उसको इस्तेमाल करके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप डिलीवर करें जी। इसी तरीके से जो भी कौमें आगे निकलती हैं तो उन जो है उनके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका जो मेन काम है कि वो उन्होंने मैक्रो लेवल पे फैसिलिटेशन करनी है। उन्होंने काम नहीं करना, जब गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमने काम करना है तो जो आपकी कौम है जिसमें ये स्किल्स हैं, जिसमें ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम है, वो एक डिपेंडेंसी कल्चर पे चले जाएंगे, गवर्नमेंट सब करेगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये एक सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम पड़ गई है। और जो दूसरी जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे भाईजान जो इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान में, जो मुहब्बे वतन है, जो चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो देखें, आजकल का जो दौर है वो डिजिटल डेटा का दौर है। पहले जब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनती थी, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे वो हो जाए आपकी हेल्थ की, हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, हो जाए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की, तो वो हिस्टोरिकल डेटा सामने रख के वो पॉलिसीज बनाती थी। अब जो रिसर्च्ड पॉलिसीज चाहिए, फर्ज करें, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि सियालकोट में हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि वहां पे जो जी हमें क्योंकि हजारों लोग, पर्टिकुलरली जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं और जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। वी नीड टू एक्चुअली रिसर्च कि कौन सी स्टार्टअप्स हैं जो वहां पे हैं, मगर जो मोर इम्पोर्टेंटली वो किस सतह पे हैं, यानी व्हाट लेवल आर दे। दैट्स नंबर टू। सेम हमने करना है एसएमईज के साथ और लार्ज कॉर्पोरेशंस के साथ। जब हमें ये कंट्री का पता चल जाएगा कि ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारे पास कैपेबिलिटी है, देन ओनली देन कैन वी हैव द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और जो जितने सेक्टर्स हैं आपके, चाहे आपका सेक्टर है टेक्नोलॉजी का है या टूरिज्म का है, इंजीनियरिंग का है, तो हमने ये करना है कि देखें, 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी, वो आपको 25 बिलियन एवरी ईयर भेज रहे हैं। योर टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 207 मिलियन पीपल इन पाकिस्तानी इज लेस देन द जो वो रिमिटेंस भेज रहे हैं, क्योंकि आपका जो फोकस है वो सेक्टर बेस्ड नहीं है और डेटा बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। बस मेरा यही है कि इसके ऊपर फोकस करें प्लीज। ठीक है सर, वेरी ट्रू सर। मैं बड़ा स्पेसिफिकली कोशिश करूंगा कि आपके इस वीडियो के साथ ये आपका मैसेज बहुत जल्दी हाई अप्स तक पहुंचा सकूं। और ये आपके जैसे माशाल्लाह आपको टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के बहुत अरसे से हैं, ये जो सिलसिला शुरू किया गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये हमने एक खुली कचहरी का नाम दिया कि डिजिटल वे में, इसको इसके बारे में एक आध मिनट कुछ बताइएगा सर, आप इसको कैसा समझते हैं? देखें, अगर हमने वो जो है ना क्या कहते हैं, हमने व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना जी। आप देखें पिछले 20-25 साल में जब से मैंने होश संभाली है, तो आप तुर्की का एग्जांपल ले लें जी। आप दुबई का एग्जांपल ले लें। देखें, आज से 25 साल जब मैं यूके से चाइना जाता था तो दुबई के जरिए मैं जाता था, बिल्कुल दुरुस्त। तो वहां पे उनका जो एयरपोर्ट था और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, नॉन एग्जिस्टेंट था। वेरी ट्रू।
वो देखें कि 25 साल में कहां तक पहुंच गए हैं। बांग्लादेश 1971 के बाद देख लें कि क्या हुआ। देखें ये जो बात मैंने आपको पहले कही है ना कि हमारे पास जब तक डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, मगर आपने ये करना है इन द शॉर्ट टर्म नेक्स्ट 2 to 3 years आपने क्या करना है, आपने जो इकोनॉमी है उसको आगे लेके चलना है। देखिए पाकिस्तान का इमेज जो अनफॉर्चुनेटली है बाहर, हम लोग 50 साल से बाहर रह रहे हैं, हम अब चौथी पुश्त है हमारे यूके में। वेरी ट्रू। मसला ये है कि आपके आपके पास जितने पैसे हो जाएं, जितने आपके मुल्क में तो वापस आना है, जहाज मिल जाएं, मगर जब आप सामने तो हमें महसूस होता है कि वाकई आप अपने तजर्बे की बात करते हैं और सीखने को मिलता है। जी सर आगे। कल से जो मिसअप हुआ था, आई एम सॉरी, उसकी वजह से थोड़ा इंटरनेट इशू है। पर अमजद भाई, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप देंगे, कोई चीज? देखिए मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही होंगे कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दो चीजें हैं मेरे भाई, वो ये है कि हमारे पास साथ एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ हम, मैं ये मैं दावन आपसे कह रहा हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 10-15 years अगर इकट्ठे हो जाएं तो इंशाल्लाह वी कैन ट्रांसफॉर्म द नेशन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। वो कैसे? पहली बात तो ये है कि जो हमारे पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज हैं, जो चोर चक्के हैं, उनको तो मैं गिनता नहीं हूँ, मैं 99.9% जो पाकिस्तानी है उनकी बात कर रहा हूँ। वो ये है कि वो मुहब्बे वतन है। बाहर की कौमों में आप देखेंगे तो इतना उनमें डिसयूनिटी है जिसकी हद नहीं है, मगर हम एक ऐसी कौम है कि हम अपने मुल्क के ऊपर जान देने के लिए तैयार हैं। ये पहला इंग्रेडिएंट है। अच्छा, दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि हमारा विजन है सभी का। एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो विजन है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारा एक ख्वाब है, ठीक है? ये दो चीजें हमें जोड़ती हैं। तो उसके लिए जो तीसरी चीज है, जो दुनिया के ममालिक जो अभी तरक्की कर चुके हैं, देखिए जापान देख लें, बेल्जियम देख लें, राइट, इस किस्म के आप मुल्क देख लें जिनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि उनका कन्वर्जेंस आया है एक विजन के ऊपर, तो वो दुनिया की जो आला तरीन ममालिक वहां पर पहुंच गए हैं। मगर अल्लाह ने हमें सब कुछ बख्शा है। तो मैं ये हिस्टोरिकली मैं ये कहता था, ये है कर्स ऑफ अबंडेंस। हमारे साथ इतने चीजें अल्लाह ताला ने हमें दे दी हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। तो अब हमने ये करना है कि जो हमारी नई पोच है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो दहातों में रहते हैं, उनको हमने कहना है, वो जो खुद ही इकबाल का फलसफा है उसको हमने एक अरूज पे लाना है और इन्हें कहना है कि हमने सिर्फ पाकिस्तान जो है उसमें रह के ठेठ और देखें चौधरी नहीं बना, हमने दुनिया के ऊपर एक अपना मकाम करना है। तो ये जो एम्बिशन है अपने बच्चों का और जो हमारी बिजनेसेस हैं उनका आगे लेके चलना है। सो विद दीज थ्री फैक्टर्स आई थिंक वी कैन एब्सोल्युटली विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट इंशाल्लाह हम इस मुल्क को हद तक ले जा सकते हैं। जी, आपने ज्वाइन किया और हिशाम हमें लाइव देख रहे हैं, हिशाम अगर सुन रहे हैं तो आप भी आए इस पर। मैं एक बार फिर, वो हर जगह पे लिखा हुआ है हमने इसका जूम का लिंक, प्लीज अगर आप ज्वाइन करें तो आई विश आपकी भी हम अच्छी बातों से मुस्तफीद होंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं जी शाकिर अली राजपूत। शाकिर भाई आप मुझे सुन पा सकते हैं? अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाकिर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहली खुली कचहरी है जो डिजिटल तरीके से
ऑन एयर की गई है और मेरा ये मिशन है कि मैं जो कंसर्न्ड लोग हैं, चूंकि मेरे उन तक एक्सेस है और कुछ नहीं, तो कम से कम ये छोटा सा क्लिप, एक वॉइस मैसेज, एक टेक्स्ट मैसेज उनको भिजवा सकूं। और मेरी कोशिश होगी कि अगले सेशंस में हम मिनिस्टर्स को, एक आधे किसी बड़े आदमी को किसी मिनिस्ट्री से अपने साथ बिठाएं जो हमारे सवालों का जवाब भी दे। प्लीज शाकिर भाई, ओवर टू यू। जी अतीक भाई, थैंक यू वेरी मच। आवाज़ काफ़ी ब्रेक हो रही थी लेकिन मुझे कुछ समझ आया और कुछ नहीं आया। लेट मी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको आंसर करता हूँ। तो पहला तो ये है कि माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशन, और बड़ी खुशी हुई आज जब आपका मैसेज आया और मैंने देखा कि ये आपने स्टार्ट कर दिया एक नया प्रोग्राम खुली कचहरी। तो ये एक तो ये है कि आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, मेरे ख्याल से आप मेरे कंटिन्यू नहीं कर रहे उस इलेक्शन में, तो लीड करना जो लीड करना था वो माशाल्लाह से आप जैसे, जी जी, तो जैसे आप लीड करते हैं माशाल्लाह सेनेट में, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उसी आपने विजन को ना आप यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी इट्स ऑसम ये जो आपने एक्टिविटी स्टार्ट की है, और ये जो अभी मुझे आपके समझ आई है कि आप किसी मिनिस्टर को या किसी अथॉरिटी को इनवाइट करना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा जरूरी है अतीक भाई। इसमें जैसे अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि आप स्पेसिफिक, जैसे हम एक्सपोर्ट के, आपको पता है मेरा जो है टॉपिक है वो एक्सपोर्ट्स है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ाना है। तो हम इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे अभी मैं हलाल अथॉरिटी जो बनी है उससे रिलेटेड पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल के साथ हमारी मीटिंग थी 3-4 दिन पहले, वहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई। तो उन्होंने कहा कि जी ये सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन इसके अंदर अब जहाँ पे मिनिस्ट्रीज का रोल आता है वहाँ पे जाके चीज़ें जो है, जो आप प्रपोजल्स देते हैं या जो चीज़ें आप करते हैं वहाँ पे जाके उसको जो है स्लो डाउन आ जाता है, पॉलिसीज जो हैं उनको बनाने में बड़ा जो है टाइम लग है और इन सब चीजों में। तो आपके तवज्जो से इंशाल्लाह ताला जितने भी लोग पाकिस्तान में अपनी अपनी डोमेन में अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस लेवल पे आए कि हर एक इंडस्ट्री को लेके उस इंडस्ट्री से हम ये जो खुली कचहरी है एक स्पेसिफिक ऐसा काम होना चाहिए कि हम हर प्रोग्राम के अंदर एक इसका ऑब्जेक्टिव बनाए और उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है जितने भी स्पीकर आते हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं, जितने भी हम अगर फॉर एग्जांपल किसी अथॉरिटी को इनवाइट कर रहे हैं तो वो उसी से रिलेटेड हो, ताकि उसमें एक कंप्लीट बेसिक लेवल से जो एडवांस लेवल तक जितना भी है कि तमाम जो उनके क्वेश्चंस हैं जो उस इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो उसके अंदर प्लेयर्स हैं बेसिकली, तो उन सबको बेसिकली एक ही प्रोग्राम के अंदर हम उसको कोई सलूशन की तरफ जाएं, तो मेरे ख्याल से इसका बड़ा जबरदस्त एक काम हो जाएगा हमारा। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा, मैंने अल्ताफ हुसैन भाई को जो रोका था तो उन्हीं से हम दोबारा शुरू करते हैं, और हमारे साथ ये मौजूद हैं एएम जाफर। जाफर भाई, इसके बाद आपको मौका देते हैं, आप फिर बात कीजिएगा। सिर्फ ये जी वेरी क्विकली अल्ताफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया मैं साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बस आपकी बातों को, जितनी भी आपने बातें की और जो अभी तारिक साहब ने बातें की, मैं उनको बड़ा अच्छे तरीके से सेकंड करूंगा और यही कहूंगा कि देखें, मैं यूथ की, हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी यूथ की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मसला यूथ का जो है वो है पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, अच्छा मसला ये है पॉलिसी मेकिंग अभी तक यूथ की क्यों नहीं बनाई जा रही, उसकी वजह ये है कि जिस तरह एक बड़ा मशहूर जुमला है ना कि मतलब मिसाल के तौर पे जिनकी शादी हो रही हो और उन्हीं लोगों को ना पता हो शादी हो रही है, तो इसी तरह ये है कि जिनकी 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 पॉलिसी मेकिंग हो रही है उनको उस पॉलिसी मेकिंग में बिठाया ही नहीं जाता, उनकी राय नहीं ली जाती और ना उनको उनको ये पावर दिया जाता है कि उस पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने या उसमें कोई राय दें। तो पहली तो ये कि मैं ये मशवरा आपको दूंगा कि जिस तरह एक बलदियाती निज़ाम में यूथ काउंसलर की सीट फिक्स की गई थी यूथ काउंसलर की, ठीक है, इसी तरह अगर 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 हम पार्लियामेंट में, सेनेट में और प्रोविंशियल असम्बलीज में इसी तरह एक मखसूस कोटा नौजवानों का एक फिक्स करें
और उसका एज एक एज सिस्टम हो, उसका बायलॉज हो, सेनेट में बिल पास हो, कमीशन में बिल पास हो, तो ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि अभी इस वक्त पाकिस्तानी यूथ का सबसे बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट। मेरी एक गुजारिश दीजिए, जिसकी वजह से आई बिलीव, थोड़ा सा हम इस चीज में रहते हैं, ये तो खैर बहुत आगे की बात है, आई बिलीव इन इट कि एक एक स्टेप करके अगर चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। आप पहले ये आज की जो कावेश है उसके बारे में बताइए, और ये बताइए कि हम ये जो डिजिटल वर्ल्ड में अपने पॉलिसी मेकर को और डायरेक्टली जिनके ऊपर वो कानून लागू होना है उनको लाकर बिठाना चाहते हैं, उसमें आपकी क्या तजवीज होगी, दैट इज स्पेसिफिकली। जी बिल्कुल बिल्कुल मियां साहब, मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी जो ये काविश है इसका आपको अल्लाह भी अजर देगा, और हम भी आपको बड़ी मोहब्बत से, बड़ी आपको अपनेपन से हम आपको प्यार करते हैं, इसी वजह से कि आप बड़ा नया इनिशिएटिव लेते हैं। अच्छा, आपने जो ये नया इनिशिएटिव लिया खुली कचहरी आपने की, जिसमें कोई भी आके, पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन है, वो आके पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने ख्याल का इजहार कर सकता है। मैं भी यही आपको कहना चाहूंगा कि डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से, जिसको हम आईटी से रिलेट करते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या आगे और भी जो मजीद चीजें आ रही हैं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करूंगा। अच्छा, डिजिटल वर्ल्ड आपने देखा होगा कि अब हर चीज डिजिटल होने जा रही है, चाहे वो मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा अपनी, अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करता हूँ तो हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, आपके बिजनेस होगा, इवन अगर छोटा सा आपने ग्रोसरी स्टोर भी खुला हुआ है ना, अगर वो वहां पे भी अगर आपको कंप्यूटराइज आज के दौर में रेसिप्ट ना मिले और आपका वहां पे सिस्टम अच्छा ना हो तो कस्टमर्स को, लोगों को मजा नहीं आता, वो कहता है स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसी वजह से कहना चाहूंगा कि जिस तरह आईटी मिनिस्टर हैं इस वक्त, और उनका भी ताल्लुक उसी पार्टी से जो आप, जिनका आपकी पार्टी से ताल्लुक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, ठीक है, आप सबसे पहले उनको सबसे पहले एंगेज कीजिए, ठीक है, जिस तरह आप एक सेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी एक पॉलिसी मेकिंग, वो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो पॉलिसी मेकिंग बताएं कि डिजिटल वर्ल्ड की तरफ अगर हम पाकिस्तान मूव कर रहा है तो हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, जिससे यूथ को फायदा होगा और हमारे मुल्क को फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह आप ये भी कर सकते हैं, छोटी सजेशन है, जब फेडरल मिनिस्टर के बाद हम जो चारों सूबों के आईटी मिनिस्टर्स हैं जी, चाहे वो सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, केपीके के हों, अब हमारा पांचवा सूबा भी इसको इख्तियार मिल गया जिसको हम जीबी कहते हैं, तो अगर वहां पे भी कोई आईटी मिनिस्टर है तो उनको बारी बारी आप लें कि चलें ये तो फेडरल की पॉलिसी हो गई, अब आप अपने अपने प्रोविंशियल लेवल पे क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी गुड। और उसका तरीका मैं छोटा सा आपको एक और बताऊंगा कि फिर इसके जो सम्राट हैं वो निचली सतह तक जाएं। यस, ये बड़ा जरूरी है कि ग्रास रूट लेवल तक जब तक इसके सम्राट नहीं जाएंगे तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते जो हम 20-25 साल बाद पाकिस्तान को देखना चाह रहे हैं या 10 साल बाद देखना चाह रहे हैं। वेरी ट्रू। जिस तरह अभी अमजद साहब ने कहा कि अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो 10 साल बाद पाकिस्तान मुख्तलिफ पाकिस्तान होगा अगर उसमें डिजिटलाइजेशन हो जाए। बिल्कुल। और एक छोटी सी सजेशन दूंगा, हमारे यहाँ अभी तक जो हमारा कोर्स मटेरियल है ना, जो बच्चों का ग्रास रूट पे जो टेक्स बुक, जैसे टेक्स बुक है, पंजाब टेक्स बुक है, फेडरल टेक्स बुक है, या केपी के टेक्स बुक है, वो सिलेबस बिल्कुल अपडेट नहीं है। मैं बताऊं कि मेरे जो पुराने मेरे कजन होते थे मुझसे, उन्होंने भी तकरीबन वही कोर्स पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, और अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ जो न्यू कजन है या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो ये जब तक हम दुनिया के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। आई वेलकम अली रजा पंजवानी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आई एम रियली फील ऑनर्ड। मेरी टीम, आज हम आपको अप्रिशिएट कर रहे थे और हमारा भाई आ गया, जो आपने वो वर्चुअल वीडियो वाली जो बनाई है ना बैक पे, तो आज से पहले तो मैं लगाता था यही, हमने कोशिश की, ये भी दुनिया, आपने शायद देखा हो मैं अपनी बैकग्राउंड में पहले सेनेट लगाता था, तो बहुत से दोस्त मुझे कहते थे यार तुम 24 घंटे सेनेट के अंदर ही रहते हो, तो मैं उसको उनको ये कहता था कि भाई मैं चूंकि डिजिटल आदमी हूं, मैं हूं या ना हूं मेरी रूह जरूर सेनेट के अंदर होगी, नंबर वन। सेकेंडली, आज आपने जैसे और हमें सबक दिया, आई रियली अप्रिशिएट, यू आर अ मार्वेलस पर्सन, रिगार्डलेस ऑफ इट के आप जितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें आपकी वीडियो से भाई मेरे ग्रुप को, ये रबिया बेटी बैठी है, हम सबको बहुत फायदा हुआ। मैं आपको वेलकम करता हूँ, और नासिर विलियम भाई आपको भी थैंक यू वेरी मच, आप आए हैं। अली रजा, एक दो मिनट के लिए, ये मेरे साथ AM जाफर भाई मौजूद हैं, ये कुछ बोल लें अगर ये बोलना चाहते हैं, फिर आपको मौका देंगे। जी जाफर साहब, मैं चूंकि आपको पहले कह चुका था, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम ब्रदर।
you can go ahead. Information that you want from us. Yeah. Jafar bhai, I really appreciate Jafar. My brother is from Sri Lanka and he has joined us. I really appreciate his efforts. So the discussion we have made here is that this is an open platform. Any Pakistani or even overseas Pakistani can come and join us in this platform. And this is first time because I have started it. This is today, first day. I will try to, this time I'll make small clips. I will send to the concerned people in the shape of video, in the shape of audio message, in the shape of our written message, text message. And inshallah, in my second program, I will call the concerned, especially IT minister or any representative from IT ministry. And my friend Shakir Ali said that we need to have the concerned policymakers as well. So we will try to get the export bureau and some other departments. So this is the motive of today's, our this okay. session. So thank you very much that your excellency, you doing this innovative to have a very good international relationship between Pakistan and other country, and also the trade relationship and also the tourism inbound and outbound. So as far as Sri Lanka concerned, and Sri Lanka is an island and is a paradise, and Sri Lanka is because of COVID-19, most of the global country has been affected. Unfortunately, this is the first time in the globally, because of the health sector, entire economy has been affected. Like Sri Lanka, example, Sri Lanka is a developing country. And this challenge has been also faced by the developed country in the Europe. So as a developing country has seen more challenges to face this economic crisis. And the government of Sri Lanka has taken many initiatives to control this COVID-19 pandemic. Unfortunately, most of the Colombo city has been, now the lockdown has been removed, and the first time the international airport will be operating this 22nd of this month for the tourists. So Sri Lanka is going to have a good news restart the business activities and the and tourism activities. Good. Thank you very much, brother. We wish you good luck for your developments in your country. And as you know, Pakistan and Sri Lanka are having close ties together. They are like brotherly nation. We are with you. Thank you very much, brother. Now I request Mr. Thank you. Ali Raza Panjwani to speak on whatever you like, my friend. Please, over to you. Okay, thank you so much, Mateen, Adik, or Abhinasir, or everyone. Assalamu alaikum. Waalaikum. So, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं. तो मेरा एक mandate होता है हमेशा कि हम transform हो, कि हम एक जामे से दूसरे जामे में हम जाते रहे, और जिस तरह हम एक दौर हमारा गुजर रहा है कि हम ट्रेडिशनल दौर से अब डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है. कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, या कहीं ना कहीं वो यकीन नहीं है कि हमें हमारी सोर्स ऑफ इनकम चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है. तो वही सारी चीज़ें लोगों ने प्रैक्टिस करते गए और लोग आते गए, और जहाँ चीज़ें सिर्फ लोग व्हाट्सएप तक ही लिमिटेड थे, अब वो जूम की तरफ जा रहे हैं, फिर वो स्ट्रीम यार्ड की तरफ जा रहे हैं. अपने जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की और चीज़ें चेंज करते गए इस तरह. सो यू आर डूइंग वेरी वेल, और आप भी जो है आप इससे भी लाइव जा रहे हैं, शीयार्ड से भी. वो जो सफर है हमारा ट्रांसफॉर्म और मजीद, क्योंकि अब जो दौर है, हम दुनिया के किसी भी कोने में हो तो अब कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंसेस भी 120 कंट्रीज है, 140-150 जितनी कंट्रीज है, साथ में मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म में भी चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑल जो टाइम गैदर है. तो ये सारी चीजें और एफर्ट्स वाइज चीजें हैं. जहाँ चैलेंजेस है हमारे पास, बहुत सारे चैलेंजेस है, यूथ को चैलेंजेस है, सीनियर सिटीजन को है, कहीं ना कहीं है. हम आगे बढ़े होंगे, आपस में एक दूसरे को समझ रहे होंगे,
और रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करेंगे तो ये सारी चीजें फुलफिल कर पाएंगे जी. थैंक यू वेरी मच. और आप ये आज के जो हमारा एक मेरी टीम ने मैंने हमने जो कोशिश की है इस अमल को कैसा देखते हैं, क्योंकि देखिए आज से पहले ये होता था कि जब एमएनए साहब अपने गांव में जाते थे तो वो जाकर एक कचहरी लगा लेते थे, एसएचओ को बुला लेते थे, साथ जो है वो डिप्टी कमिश्नर को बुला लेते थे और वहीं पे उनके मसाइल हल होते थे. मैंने उसी चीज को आगे बढ़ाया. मेरी कोशिश है जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह अगले मीटिंग्स में हम यहाँ किसी जिम्मेदार को बिठाएं, कंसर्न को बिठाएं. जैसा कि अभी भाई मेरे ने कहा कि जी ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम पहले से अनाउंस करें और किसी कंसर्न्ड बंदे को बुलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा. शाकिर भाई ने ये कहा था, आप इस पर क्या कहेंगे? इस पे बिल्कुल ये सारी चीजें हैं. हम ट्रांसफॉर्म हो गए हैं कि हमें ट्रेवल नहीं करना पड़ा है, हमारा टाइम बच रहा है, वो चीजें हैं जो कंसर्न है हमारा. एक एप्लीकेशन एक कैबिनेट ने दी है, रिक्वेस्ट दी है, शिकायत दी है या कोई फीडबैक दिया है, तो उसको जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो बैठा हुआ है आपके इस प्लेटफॉर्म पे और वो सुन रहा है उसको सॉल्व करने के लिए ऑडियो वीडियो क्लिप जो भी चीजें हैं. तो उस चीज का जो सोल्यूशन है और फीडबैक पे बात होगी तो डिजिटली हमें ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, धक्का नहीं खाना पड़ेगा. काफी बार पूरा पूरा दिन हमें टाइम लग जाता है इस तरह के कॉल होगा नहीं रिजल्ट या जो नॉलेज है अवेयरनेस है विद इन अ सेम डे और सेम प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पर अवेलेबिलिटी हो जाती है. तो दैट्स इट्स अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कि हम डिजिटली भी ट्रांसफॉर्म होंगे, इंटेलेक्चुअल भी हो जाएंगे और हमारी जो स्पिरिचुअल बीम है, हमारी एक इंसानियत वाली जो खिदमत का जज्बा है वो भी हम कहीं ना कहीं वो डिजिटल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे. वो अलग अलग उसमें थैंक यू वेरी मच ब्रदर, बहुत शुक्रिया. नाउ वी मूव टू सरफराज साहब. सरफराज साहब अगर आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें तो इट वुड बी बेटर. आप कोशिश करेंगे या बात कर लीजिए, माइक आपका ऑन है. सरफराज अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज ओवर टू यू. ही इज फ्रॉम मक्का, वेरी गुड. सरफराज इज फ्रॉम मक्का जी, तो हमारे लिए बड़ी. सरफराज आप देखिए अगर आप दोबारा आना चाहें तो यू आर वेलकम. नासिर विलियम इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमारी पार्टी से हैं. नासिर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मियां आतिक भाई, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन ये डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में. सबसे पहले तो मैं आपका कैमरा ऑन हो सकता है नासिर भाई? एक्चुअली में कैमरा ऑन नहीं हो सकता लेकिन बात हो सकती है फिलहाल. जी ओके ओके. सबसे पहले आतिक भाई आप ओके अच्छा आतिक भाई, सबसे पहले तो ये काविश है आपकी जो खास तौर पे ये डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से अब खुली कचहरी की भी बात की, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर करूं. एक तो खुली कचहरी एक अच्छा आइडिया है, ग्रेट आइडिया है और डेफिनेटली इसका बेनिफिट जो है घर बैठे लोगों को होगा जरूर और ये एक कन्वीनियंट रहेगा हम सबके लिए. सेकेंड मैं आपसे ये कहूंगा कि खासतौर पर जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स या जिसको हम कह सकते हैं कि फिक्री नशिस्त की तरह का एक प्रोग्राम अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में वो इश्यूज जिन पे के नहायत ही जरूरी है बात करना, जिसकी वजह से हम पाकिस्तानियत की तरफ एक अपने सफर का आगाज कर सकते हैं. इस मुल्क को इस वक्त पाकिस्तानियत को फरोग देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, पहली बात. दूसरी बात मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि मैंने बहुत सारे इश्यूज देखे दुनिया में और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन मैं इश्यूज पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जिसका डिजिटल वर्ल्ड के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है. जी प्लीज पहला एक सेकंड नासिर भाई एक मिनट. हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त एमएनए दीवान सचल लखानी वो मौजूद हैं. आई वेलकम यू सर, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया. जरा ये नासिर भाई के बाद मैं आपको मौका देता हूँ, आपके हम जरूर ख्याल से मुस्तफीद होंगे. जी 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 मैं एक्चुअली वेट कर रहा था, मैंने कहा नासिर भाई बोले सिर्फ नासिर भाई एंड करें दो मिनट. लेकिन सर वैसे खाली आपने एक बात गलत कर दी, आई एम नॉट एमएनए, आई एम ओनली एमपी. सॉरी यू आर एमपी, यू आर एमपी या सिंगल असेंबली में. नहीं मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, सॉरी सॉरी. नहीं जी नासिर भाई बोलिएगा.
अच्छा, तो जो बेसिक इश्यूज हैं अगर हम लोग उस पर बात करना चाहें तो डेफिनेटली एक तो लैक ऑफ लीडरशिप नजर आती है, जिसमें गवर्नर्स के इश्यूज नजर आते हैं, जिसपे आपने पहले भी एक दफा बात की थी। अच्छा, इसके साथ साथ लैक ऑफ एजुकेशन का बड़ा इशू है, और जो कि डिजिटल वर्ल्ड से शायद हम लोग इसको दूर कर सके। मेरा बेटा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है, तो उसने मेरे साथ एक आइडिया शेयर किया। वो मुझे कह रहा था कि पापा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि इजी एजुकेशन या फ्री एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए, जिसमें खास तौर पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो चैप्टर होता है, चैप्टर का एक लेक्चर जो है उसको समराइज करके उसको इस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, ताकि बच्चों में खासतौर पे जो 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर के जो बच्चे हैं उनको खास तौर पे जो है उनके जो चैप्टर्स हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाए। तो ये इसका जो है सबसे बड़ा एक्सेस ये होगा कि लोगों को भी ट्यूशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और लोगों को घर बैठे एक्सेस मिल जाएगी, और वो 9th 10th या फर्स्ट ईयर इंटर, खासतौर पर कोविड में भी इस तरह की सिचुएशंस है। मैं जी बिल्कुल नासिर भाई, मैं अपनी नेक्स्ट स्पीच में इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी अपनी तैयारी करके, ये जो आपने कहा कि हम मुल्क से ट्यूशन को खत्म कर सकते हैं और एक उस तरह का एनवायरनमेंट बना सकते हैं एजुकेशन का कि जिसमें सब लोग उसमें शामिल हो सकें। ये हमारे साथ अभी आए हैं जी इरफान शाकिर भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं, जरा हमारे दीवान साहब बात कर लें तो फिर आप जरूर बोलिएगा। थैंक यू वेरी मच भाई, अगर कोई और बात करना चाहे मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। सिर्फ एक छोटी सी बात एंड कर रहे हैं, बोलिए बोलिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन का जो गैप है, डेफिनेटली ये डिजिटल वर्ल्ड से जो है ये दूर हो सकेगा। तो एक ऐसी बात जिससे कि हम लोग कम्युनिकेट कर सके, जिससे कि इस मुल्क में तरक्की मिले, चाहे वो नौजवान हो या व्हाटएवर कोई भी पाकिस्तानी है, तो मेरे ख्याल में ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना, जिस तरीके से लोग भी, जिस तरह मैं समझता हूँ कि इस आजकल आपने देखा है कि हम लोग बरादरी से पाकिस्तानियत की तरफ हमें जाने की जरूरत है, और हमें ये सोचना ये जरूर है कि जो कम्युनिकेशन जो है इसका बेहतरीन इस्तेमाल जो है किया जाए। मुझे एक आपकी बात और बहुत अच्छी लगी कि टिकटॉक को लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से देखते हैं, लेकिन आपने टिकटॉक का सही इस्तेमाल किया। इट मींस कि मैंने तो आज टिकटॉक बनाकर हजारों लोगों को भेजा है, इस माने वो टिकटॉक भी इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, आप टिकटॉक को लोग दीवान साहब को ऑनबोर्ड करें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दीवान साहब, ओवर टू यू। और मैं वेलकम करता हूं, हमारे साथ इस वक्त में आसिफ नवाज भी आ चुके हैं, हसीब महमूद भी हैं, और भी बहुत से साथी हैं। जी दीवान साहब, ओवर टू यू ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, आई एम वेरी ऑनर्ड के आपने सर मुझे इस पे दावत दी। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो टुडेस टॉपिक, बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि आपने डिजिटल मीडिया के, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो मेरे को भेजती रहती हैं, एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड आपने बहुत ज्यादा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो अब आ गया है, एंड पाकिस्तान हैज टू गेट अलाइन टू इट, सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद योर वर्क ऑन दिस। आई वुड लव मीटिंग यू समडे, आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी कि आपसे अब तक तो मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह जरूर मिलेगा आगे चल के, अल्लाह ने चाहा तो। मैं आपको आज की मीटिंग का मकसद बता दूं सर, इट इज वेरी सिंपल के सर, हमने जैसे आप अभी मैंने बोला कि पहले वक्त में ये होता था कि एमएनए साहब एमपीए साहब अपने हलके में जाते थे तो वो इसको अपना इसको क्या ना एसएचओ को भी बुला लेते थे, डीसीएसी को भी बुला लेते थे, और लोगों के जो काम होते थे वो हो जाते थे। आज चूंकि डिजिटल वर्ल्ड है, कोविड का जमाना है, तो मैंने ये फील किया व्हाई नॉट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म के एक आम आदमी को एक्सेस हो कि वो यहाँ बैठे और मुझे बताए। पहली मेरी ख्वाहिश कोशिश यही है कि मैं ये बात कंसर्न्ड लोगों तक, क्योंकि मेरे पास सबके नंबर हैं, मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, वहां तक पहुंचा सकूं, और जो आप जैसे भाई हैं उनके थ्रू अगर कहीं तक पहुंचाना हो तो वो कर सकें। अगले सेटअप में, अभी आज जैसे बात हुई, हम कोशिश करेंगे अगली मीटिंग में हमारे, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मिनिस्टर आईटी बैठे होंगे और वो आईटी से रिलेटेड तमाम जो हमारी यूथ है, जो हमारे लोग हैं, आवाम है, उनके सवालात का जवाब देंगे। सर दिस इज व्हाट इट इज, और उससे आगे हम देखेंगे कंसर्न, हम किसी भी एक जो डिपार्टमेंटल हेड हैं उनको बुलाएं, किसी मिनिस्टर को बुलाएं और यहां बिठाएं, क्योंकि आप ये समझिए टॉक शो तो बहुत होते हैं, वो तो हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन, लेकिन ये एक डायरेक्ट एक ऐसा राबता क्रिएट मैं करना चाहता हूं कि आम लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियंस जो वक्त के जिम्मेदार ओहदेदार हैं, उनको एक दूसरे के सामने बिठाया जाए। प्लीज सर, ओवर टू यू।
सर लाइक आई सेड आई एम वेरी इंप्रेस्ड यू हैव डन अ ग्रेट थिंग और ये एक्चुअली मेरे को जहां तक पता है आपने तो कोविड से पहले ही शुरू कर लिया था सो यू गॉट ऑन टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम जिसको कहते हैं ना कि आपने बिकॉज आई एम वेल अवेयर के आपकी ये जो टीम है दिस इज वर्किंग वेल बिफोर द स्टार्ट ऑफ कोविड सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विथ योर टीम आई एम वेरी इंप्रेस्ड विथ योर इसमें जो आपकी नॉलेज है जो आप अपना जितना काम कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह जो भी मेरे लाइक आपको खिदमत रखेंगे तो आई try to fulfill my responsibilities we right now I will be a silent participant in your meeting aur main baakiyon ki baatein sunna cha raha hu because main unnecessary abadaba jaba karta raha hu usse aap baakiyon ka bhi time waste hoga so I'll stay quiet I'll stay on mute aur main aap log ko meri puri shubhkamnaen aap logon ke saath hai sir very very thank you very much sir asif nawaz aap kuch kehna chahenge या इरफान शाकिर हमारे साथ हैं अगर वो कुछ कहना चाहें जी अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है सर ठीक हैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह इरफान आपने पहले कैमरा ऑन किया था जरा दोबारा कर ले जी कर लेता हूं बिल्कुल दैट लुक्स बेटर और फिर ये होगा कि हमारे तमाम लोगों को इस चीज का हो जाएगा और आइंदा वो जरूर थैंक यू वेरी मच शुक्रिया सर सबसे पहले मैम राबिया उन्होंने मुझे ऐड किया आपकी इस मीटिंग में बहुत खुशी का सर लोगों से मिलने का मौका मिला जी। और इंशाल्लाह यानी कि ये रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब भी आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटी होगी तो इंशाल्लाह अटैच रहेंगे आपके साथ सीखने का मिलेगा हमें बहुत शुक्रिया ये हमारे साथ सैफ अफरीदी हैं अफरीदी साहब संग रहे रोरा सिंह जी अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सर कैसे ठीक ठाक बस आप मासरा पख्तो तो पोए ना जी अलग लाजम तो वही ज़्यादा बाड़े हम सर आप कहाँ से हैं जी सावे को सर मैं तो खासकर बाड़ा से हूँ अच्छा बाड़े से ठीक और पिशावर में रहता हूँ पिशावर में सर सिटी में और मैं कुछ बात करना चाहता हूँ बड़ा मजा आया और माशाल्लाह और एक तरफ से थोड़ी सी दिली नाराजगी हो गई कि भाई हम बाड़ा के अपने सेनेटर के बजाय हम कराची में एक बंदा बैठा हुआ है और उससे हम बात कर रहे हैं नहीं, नहीं, और सारे पाकिस्तान उसके सामने हम अपने मसाइल रख रहे हैं सेनेटर सारे पाकिस्तान का होता है एक तरफ से हाँ यही बात है सर बहुत खुशी हुई आपसे बात करने की और ये बड़ी बात हो गई कि भाई ऐसा एक प्लेटफॉर्म आ गया जिस पे आप मतलब कोई भी आ सकता है और वो इस तरीके के जो भी इशू है वो अपने बयान कर सकते हैं मैंने कुछ कमेंट भी किए थे जी नहीं वो दरमियान में कोई मेरे ख्याल में आवाज आ रही थी आप बोलिए आप प्लीज मैं देख सर मैं यही बात कर रहा था कि सर देखे आप जैसे हमारे इलाके के सेनेटर जो है ना यकीनन आप जानते हैं उससे मिले होंगे दोस्ती यारी होगी आप लोगों लेकिन यकीन मानो उससे आप कुछ इंटरनेट के बारे में पूछें तो उनका अपना कोई पेज भी नहीं होगा ये मैं गारंटी आपको देता हूँ उनका कोई अपना पेज भी नहीं होगा उनको ये भी पता नहीं होगा कि कैसे होता है ठीक है जैसे आज मेरा एक दोस्त था तो उन्होंने एक स्पोर्ट्स लीग स्टार्ट करना था तो कंबार क्रिकेट लीग के नाम से तो उसने बहुत कुछ बयान किया हमने ये स्पॉन्सर किया ये किया ये किया लास्ट में मैंने उसको कहा कि यार ऐसे करो इतना बजट आप लगा रहे हो इसमें ये 40-50 हजार ये आप इसकी डिजिटल मार्केटिंग करें फेसबुक एड्स थ्रू और यूट्यूब और इसमें उसने कहा कि यार ये क्या होता है मैंने कहा यार क्या होता है मतलब एडवर्टाइजमेंट ये सब अरे कहा यार फेसबुक तो नॉर्मल एक पोस्ट करो बस इसी पर कमेंट वगैरह ग्रुप यकीन आप में मतलब वो बंदा ऐसा नहीं है कि उसने तालीम नहीं किया सर वो डिप्लोमा होल्डर है ठीक है ना तो मतलब अगर इन लोगों की ये सोच अब जाके मैं किसी को बोलता हूँ कि यार मेरा एक शॉपिफाई स्टोर है उस पर हम ऐसा बिजनेस करते ऐसे कारोबार करते
वो मेरे ऊपर हंसता है कि भाई की हो गया, हम तेरे को बेवकूफ हमें बेवकूफ समझ रहे हो कि क्या मतलब है। बिल्कुल ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये हमारे लाइक और यकीनन हमारे इलाके के सबसे ज्यादा नौजवान, मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही 6 भाई हैं, तो हमारे जो इलाके की पॉपुलेशन यंग है, यंग पॉपुलेशन है सर, मैं समझता हूँ कि कोई भी जिला में इतनी भी यंग पॉपुलेशन नहीं होगी जितनी हमारी बाड़ा में है। लेकिन आप किसी को जाके उधर आप बोलो कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग होती है, अमेजोन होता है, ईबे होता है, वो बोलता है कि भाई किसी और को जाके बेवकूफ बनाओ, हमें नहीं, ठीक है ना। तो मैं मतलब ये मैं कहूंगा इसका मतलब है आपने मेरे इस अमल को अप्रिशिएट किया है और आप समझते हैं कि ये एक अच्छा अमल है। हाँ सर ये मैं आपको सर जो बाद में जो मिनिस्टर वगैरह ये सर जो है ना, ये सर आप बाद में इनवाइट करें, सबसे पहले सर हमारे जो हमारे इलाके के जो सेनेटर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसको स्पेशली सबसे पहले इनवाइट करें। वो जो मतलब आजकल जो काम हो रहे हैं, जो यंग पॉपुलेशन हमारी जो है, और या जो मार्केटिंग वगैरह किस तरह लोग, उसको ला के उसके सामने उससे कन्वर्सेशन करें, उससे बात करें कि ये देखो क्या हो रहा है। सर सैफ भाई मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, और मैं वेलकम करता हूँ बाबर अली को। बाबर अली इज फ्रॉम कश्मीर, और ये कश्मीर से हमारे साथ शामिल हुए हैं। बाबर अली, आई वेलकम यू माय ब्रदर। और सैफ साहब, जो आपने कहा हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं, दैट इज डिजिटल सेनेटर पार्लियामेंटेरियन शो, डिजिटल सेनेटर शो। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जितने सेनेटर्स हैं, जितने MNAs हैं, हम उनको लेकर आ रहे थे, और कई ऐसी हमारी बहनें पार्लियामेंटेरियंस, कई ऐसे सेनेटर्स जो एजेड हैं, वो आए और उन्होंने आकर बहुत अच्छे तरीके से अपने आप, और वो बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बलूचिस्तान से हैं, जो इंटीरियर सिंध से हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपने मोबाइल फोन से, उनके पास आईफोन लेटेस्ट है, लेकिन उन्होंने कहा हमने आज तक कभी व्हाट्सएप और या अपना फोन करने के अलावा कुछ नहीं किया था। तो अब हमें पता लगा है कि इससे ऐसे लाइव भी जाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप कोई कंक्लूड करना चाहेंगे, फिर मेरे साथ सरफराज भाई आ गए हैं मक्का से, मैं उन्हें मौका दूंगा, और उसके बाद बाबर अली होंगे। बस सर मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे, हम इंशाल्लाह आपको आगे भी ज्वाइन करेंगे, और आई रियली अप्रिशिएट। बस मैं एक ही बात कहूंगा सर कि आप जो ये अगर एक चीज करें सर, मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा कोई इस चीज को नहीं समझ सकता जो पार्लियामेंट में है, और जो वजीर आजम के नीचे जितने भी लोग हैं, हम खुद ही PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ और बहुत दिली और इमरान खान की वजह, लेकिन एक चीज है सर वो जो आप कर सकते हैं, और ये वो ये चीज है कि सर आप अमेजोन और ईबे के ऊपर अगर थोड़ा सा जोर दे दे, बस सर ये काम अगर आपने कर दिया तो समझ ले कि आपने 70% जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उसका मसला आपने हल कर दिया। मैंने एक मिशन बनाया है, इंशाल्लाह मैं शाकिर राजपूत भाई को भी अपने साथ लूंगा जी, आगे इसमें आपको मौका देता हूं। और आज अमेजोन के ऊपर जो काम करना चाहे, उनको हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आपका अकाउंट बन जाता है। ये शाकिर भाई, जरा सा थोड़ा सा इनको हम सरफराज भाई को सुन लें, उसके ऊपर आपने इसके ऊपर डिटेल बताना है। जी सरफराज भाई, ओवर टू यू, ये मक्का से है हमारे सरफराज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिल्कुल परफेक्टली आपकी आवाज आ रही है, आपकी पिक्चर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं आपकी जो एफर्ट्स हैं तो बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने इस टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाया, और हकीकत जाने की मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने मुल्क के सेनेटर साहब से बात कर रहे हैं। थैंक यू, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था, और वल्ला ही अप्रिशिएट यू। सर मैं यहाँ पर ना मक्का में हूँ, और मैं आपके तवस्सुल से अरबाब इख्तियार तक अपना एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। प्लीज बताइए। थैंक यू सर। सर मैं यहां पर RCC कंपनी में काम करता हूं मक्का में, तो यहां पर पिछले 7 माह से हमें सैलरीज नहीं दी गई,
और ना ही हमें फूड अलाउंस, 3 माह हो गए हमें फूड अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा। तो जो कंपनी वाले हैं, अब ये तकरीबन एक पूरा महीना हो चला है हम कैंप में बैठे हुए, ना कोई बंदा पूछने के लिए इधर आता है कि आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहे हैं, या क्या मसला है, सैलरीज का भी कोई कुछ पता नहीं है, कोई बंदा यहाँ पर मसूल किसी चीज। अच्छा, ये जो आरसीसी कंपनी है ये कौन सी जगह, इसका एड्रेस क्या है? सर ये मक्का में है कंपनी, हरम के बिल्कुल सामने है, जबले उमर प्रोजेक्ट ना, तो यहाँ पर जबले उमर प्रोजेक्ट है। आप ऐसा कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, गूगल से मिल जाएगा, मुझे जरा ये पर्टिकुलर्स व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह मैं अभी रात को लेटर बनाकर वो फॉरेन मिनिस्टर को भी भेजूंगा, और साथ ही साथ वो जो हमारे मिनिस्टर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अपना ये क्या नाम है इनका, बुखारी साहब, ठीक है, उनको भी भेज दूंगा, और एम्बेसी में कल सुबह मैं कॉल करके, और इंशाल्लाह इसको मैं खुद टेकअप कर सकता हूं जी, मैं फॉरेन कमेटी में हूं, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल मैं इसमें, कितने लोग इसमें आपने कहा इन्वॉल्व हैं? सर ये पाकिस्तानी तकरीबन ना 300 बंदा अभी इस कैंप में है, तो आप यकीन जाने सर, सब इतने इतने ज्यादा लोग परेशान हैं कि लोगों के पास अब खाने के पैसे भी खत्म हो चुके हैं। आप मुझे प्लीज एक दिन का मौका दीजिए, और इंशाल्लाह आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा, गूगल में है, मुझे आप व्हाट्सएप करें, मैं खुद आपसे बात करता हूं, और अब हम रोजाना की बुनियाद पर इस मसले को हल करेंगे, और अल्लाह तौफीक दे अगर मैंने ये थोड़ा सा भी इसमें कुछ अपनी इनपुट दे दी, तो मैं समझूंगा कि हम सब भाइयों ने जिन्होंने यहाँ बैठकर अपना ये वक्त लगाया है, इसका अजर अल्लाह हमें देगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहेंगे? अल्लाह हम थैंक यू, नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। ओके 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 ओके, यस 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 यस, जस्ट लेट मी, मैं, ओ माय फ्रेंड प्रवीण कहां, सेलिब्रिटी गुरु इज आल्सो हियर, वेलकम माय फ्रेंड सेलिब्रिटी गुरु, कैन यू हियर मी? आ जाएंगे अभी, बहुत शुक्रिया सरफराज भाई। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रदर। नदीम, नदीम फैसल, नदीम फैसल अगर सुन पा रहे हैं मुझे, जी हसीब भी आ गए हैं जी। शाकिर भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, अमेज़न के हवाले से जो सैफ, जी जी, मेरी आवाज क्लियर है अभी आ रही है आपको? परफेक्ट, अब आपकी माशाल्लाह स्मार्ट सी पिक्चर भी आ रही है। चलिए, वो मैंने अभी मैसेज देखा राबिया बाजी का, तो मैंने कहा चलिए मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अच्छा, अभी वो सैफ भाई हैं हमारे, ये जो बता रहे थे बाड़ा से, और कुछ बात कर रहे थे वो ईबे की और अमेज़न की, कि इसकी कोशिश करें कि वो पाकिस्तान में आ जाए। तो इसमें मैं थोड़ा सा बेसिकली ऐड ऑन करना चाहूँगा, इस वक्त अब अमेज़न की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में कि हर बंदा यही चाहता है कि बस अमेज़न के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है। तो थोड़ा सा मैं अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको शेयर करना चाहूँगा इन दोस्तों के साथ, कि अमेज़न के साथ जितना भी काम हो रहा है, कुछ लोग जानबूझ के, कुछ लोग अनजाने में, पाकिस्तान में जो इसको प्रमोट किया जा रहा है उससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो मनी लॉन्डर होके बाहर जा रहा है। कैसे? आप जब पाकिस्तान में होते हैं और पाकिस्तान से जब भी आप कोई चीज़ चाइना से परचेज करते हैं और उसको आप भेज देते हैं यूके में या यूएसए में, वहाँ पे क्या होता है, आप पाकिस्तान से जब भी पैसा आउट करेंगे उसके अगेंस्ट गुड्स को आप पाकिस्तान में लाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, आप गुड्स तो नहीं ला रहे, इट मीन्स कि ये पैसा लीगल चैनल से आउट जा ही नहीं रहा, नंबर एक। नंबर दो, आप अगर यूएसए में या यूके में वो गुड्स भेज रहे हैं और पाकिस्तान में बैठ के आपने इनडायरेक्टली कंपनी बनाई है, तो आप यूएसए के लॉ की भी वायलेशन कर रहे हैं, आप यूके की लॉ की भी वायलेशन कर रहे हैं, जो कि बाद में जब हजारों की तादाद में ये पाकिस्तानी यहाँ पे बैठ के कंपनियां बनाएंगे और यहाँ से इनलीगल इन्वेस्टमेंट करके चाइना पैसा भेजेंगे, वहां से गुड्स भेजेंगे यूके यूएसए में, कल को वही बात हमारे अगेंस्ट आएगी और ये कहा जाएगा कि जी ये पाकिस्तान की लीगल चैनल से ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, इनको ग्रे लिस्ट में डाले और ब्लैक लिस्ट में डाले, नंबर एक ये पॉइंट है।
शाकिर भाई हमने इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूव की हुई है और मैं बड़ा होपफुल हूँ इंशाल्लाह इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पाकिस्तान का अपना इन अ मंथ और सो बन जाएगा. ओके नाउ आई वेलकम बताना चाहूंगा इनको जी ये आई एम एस रैंक को वेलकम कर लू. हेलो माई ब्रदर वेलकम टू यू जस्ट लेट दिस माई ब्रदर फिनिश देन ओवर टू यू देन यू कैन टॉक. जी भाई दूसरा जी दूसरा अतीक भी ये जो भी दोस्त सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे या ये स्पेशली जो सैफ ने बात की है अब पाकिस्तान में एक नई पॉलिसी अप्रूव हुई है रिसेंटली लास्ट मंथ में जी. वो है आप अब पाकिस्तान से कोई भी गुड्स इंटरनेशनली जो है अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं. उसमें जो एज एजेंट का रोल अदा करेंगे वो कोरियर कंपनीज और आपके बैंक्स करेंगे जी, और आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा 60 दिन में वो पैसा आप पाकिस्तान में ला सकते हैं. यानी कि जो काम आपने अमेज़न ईबे पे करना था अब आप अपनी वेबसाइट्स के थ्रू भी कर सकते हैं और कोरियर कंपनीज आपकी फैसिलिटीज आपको अदा देंगी और बैंक्स इसमें आपका एजेंट का रोल अदा करेंगे. तो एक ये नई अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे टीवी शोज में भी बात हो रही होगी हर जगह बात हो रही होगी. तो ये अभी स्टेट बैंक ने इसको अप्रूव कर दिया है और बैंक्स के पास अभी बैंक्स अपनी पॉलिसी बना रहे हैं कि इसको किस तरह से हमने मैनेज करने हैं. तो ये इसको जो है वो प्रमोट किया जाए और हम इसके ऊपर काफी प्रोग्राम जी सर सर मैं आपकी इजाजत लेना चाहूंगा जबकि बड़ा मजा आ रहा है बट आई हैव गॉट अ फैमिली कमिटमेंट तो मैं आपकी इजाजत खाली इमान साहब आप तशरीफ लाए. थैंक यू वेरी मच ब्रदर बहुत शुक्रिया. यस माय सेल्फ सर वेरी काइंड ऑफ यू इंशाल्लाह अगली बार आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू जी बहुत शुक्रिया सर. My celebrity crew, over to you. Assalamualaikum. Amen. Amin. Namaste. मेरी सोल डॉटर सोल सिस्टर राबिया बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो हमें अभी अपॉर्चुनिटी दिया कि हम दुनिया के नंबर वन द डिजिटल सेनेटर के सामने आने की गुस्ताखी कर रहे हैं. हमारे भाईजान भी है वैसे तो और अली राजा पंजवानी और जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी. जितने भी हमें सुन रहे हैं वो हमारे पोएट भी है ऑल द वे पाकिस्तान में पैदा हुए और मक्का से अपनी वो रोशन यू नो अल्लाह का नाम रोशन कर रहे सरफराज भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया. और जो जिसका भी नाम नहीं लिया प्लीज मेरे को माफ कीजिएगा मगर बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो अल्लाह ताला का जिसने दुनिया बनाई है और आपको बनाया हमने बनाया पाकिस्तान बनाया है और दिल दिल हिंदुस्तान बनाया है तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए. अब मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं पॉइंट क्या चल रहा है. लेट मी टेल यू वी आर वेरी स्पेसिफिक. दिस इज फर्स्ट टाइम एवर एज फार एज आई नो दैट आई हैव प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी थ्रू दिस टेक्नोलॉजी अमंग अ सेनेटर एंड ओपन टू ऑल द नेशन इवन एनीबडी फ्रॉम द वर्ल्ड हु कैन जॉइन अस हु कैन टॉक टू अस हु कैन गिव अस हिज प्रॉब्लम इफ गॉड हैज गिवन अस द पावर. I can do it myself. I will, which I am going to start right after this meeting, finish of this Zoom meeting. I will start, inshallah, immediately. And then whatever I can pass on, because I am writing, getting notes of each and everything by myself. And then my team is also working. We will do, this is what the motive is. That's why we have said it's an open house. And next time we are going to take some ministers, some directors, some authorities, and they are going to answer all the ordinary people. So through technology, now the gap is, there will be no gap. You can ask whatever you want to in a decent way. So how you feel like specifically in 2-3 minutes about this activity of me, myself, and my team, especially Rabia did marvelous role in it. Over to you, please. Beautiful, beautiful, beautiful. Inshallah, inshallah. मेरी लाइफ में 50 साल का हुआ और 6 महीने को होने वाला हूँ. On top of that, पहली दफा मेरी लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी सुना कि कोई मना सेनेटर है दुनिया के कंट्री से और वो भी दिल दिल पाकिस्तान से. ओपन अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली पाकिस्तान की आवाम को कि नॉट ओनली जिस इलाके से आया है उस इलाके की आवाम को मगर पूरी दुनिया की आवाम को ही कर रहा है कि आप जो भी सवाल आते हैं जो भी यू नो शेयर करना चाहते हैं पूछे सवाल पूछे. देखो बहुत बढ़िया दिस इज योर प्रॉब्लम्स बताएं व्हिच वी कैन सॉल्व. इफ एनीबॉडी हैव अ प्रॉब्लम व्हिच वी कैन सॉल्व कलेक्टिवली वी आर रेडी फॉर दैट्स आवर मोटो टुडे. एब्सोल्युटली. तो पहले तो मेरी ये है कि पाकिस्तान जो है दिल दिल पाकिस्तान जो अल्लाह ताला ने बनाया है थ्रू हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो सपना देखा था ऐसा पाकिस्तान बने
दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के लोग लाइन अप आए पाकिस्तान के वीजा लेने के लिए लाइन अप आए। इतनी पाकिस्तान के वीजा की, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू है कि मैंने लोग लाइन में रहे, ठीक है। दूसरा ये है कि यस पाकिस्तान एंड इंडिया, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान एक थे एक है और रहेंगे। और बॉर्डर मैंने हमने तो तोड़ दिया है ऑनलाइन, तो बॉर्डर तोड़ दिया थैंक्स टू रेहान अल्लाह वाला जिसने मेरे को राबिया जिसे आपसे और हजारों हजारों पाकिस्तानी भाई बहन अम्मी अबू से मिला यार। तो अब फिजिकली बॉर्डर पे हमें ब्रेक करना है, फिजिकली बॉर्डर भी ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये है और इसके लिए जितना भी करे, मैं तो मेरी जान देने के लिए रेडी हूँ, जीने के लिए तो रेडी हुई हूँ, जीता ही हूँ इसके लिए और जान देने के लिए भी रेडी हूँ। तो ये बात है। अभी अभी हम ज्वाइन हुआ इसके पहले एक्चुअली 2 मिनट पहले मैं वो सेशन में था, तो पाकिस्तान का बंदा है पास्टर साहिल, पास्टर साहिल है उसने, हाँ यू नो ही। अच्छा, तो उसने जिस जनवरी की पहली जनवरी से प्रॉमिस दिया था कि मैं पहली जनवरी से हमारे वो जो चल रहा है वो पिचिंग चल रहा है जीसस का, उसमें उन्होंने प्रॉमिस दिया था कि पहली जनवरी से मैं स्कूल ओपन करूंगा। ये बंदे ने स्कूल ओपन की, पिक्चर पिक्चर भेजे, उसके बाद उसके पास अब लैपटॉप लैपटॉप का कुछ सवाल था, एक लैपटॉप और टू स्पीकर का और यू नो, तो वो भी उसका भी वो हो गया, ठीक है ना। तो वो बंदा क्या सिखाता है, द होली बाइबल सिखाता है। लाइक मैंने दुनिया में किसी भी स्कूल से सुनी नहीं है कि पहला ही स्कूल का पहला ही वो वो द होली बाइबल क्यों क्यों है, द होली कुरान भी पढ़ाया जाए, द होली गीता भी पढ़ाया जाए, द होली वाहेगुरु जी का संस्था भी पढ़ाया जाए। तो प्लीज उसके प्रमोट कीजिए। ये बंदा है ना जैसे मलाला यूसुफ़ज़ई दुनिया पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, द यंगेस्ट नोबल विनर, ऐसे ये बंदा हमने प्रॉमिस किया है कि यू नो इंडिया पाकिस्तान को मिलाने के लिए और जो एजुकेशन है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इंडिया में सब फैलाने के लिए, इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द नोबल विनर फॉर श्योर। सो आप उस माहिम में आई नो आ जाए। दूसरा मैंने ये भी कहा था यातिक साहब की भक्त प्रहलाद का जो टेम्पल है मुल्तान, हमारी जो मुल्तान की रानी है, मुल्तान की रानी राबिया जी, वहां पे उस टेम्पल के लिए इस मेन जैसे करतारपुर किया, जैसे करतारपुर करतारपुर किया है ना, वैसे उसे कीजिए। बिकॉज टेम्पल धरोहर है स्पिरिचुअलिटी का, इंसानियत का, नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म, नथिंग टू डू विद इस्लाम, जो भी हुआ हिस्ट्री दैट्स ओके, मगर इसके लिए भी आई नो जो भी करना हो और जो है वो राबिया को ही लगाएंगे, वी विल स्टार्ट ऑन इट, राबिया विल डू दैट, जो भी और पाकिस्तान के लिए जो भी करना है, जान देने के लिए जान देने के रेडी हो आप, मेरे को हुक्म करें जो भी करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। नाउ आई वेलकम माय बिग ब्रदर अशोक निश्चल, he is from yeah. I believe India se aap, Punjab, over to you please sir, over to you agar aap mujhe sun rahe hain Ashok sahab, hello, yes sir, perfectly, hello. All right, aapki picture bhi aa rahi hai। Patel sahab aap great insaan ho sir aur ek noble insaan ho, thank you very much sir, shukriya, बहुत शुक्रिया, आप ग्रेट हो सर। मेरा तो हमेशा जो क्वेश्चन रहता है कोई कुछ भी होता है, मैं इंसानियत से जुड़ा हूँ बेशक, मुझे हमेशा यही रहता है कि हर इंसान सुखी रहे, उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो जी। तो ये जो अप हैजर्ड हो जाता है, ये जो रिलीजन कल्चर आ जाता है ना बीच में जी, रिलीजन, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ। रिलीजन ने करोड़ों लोगों को मारा है, करोड़ों, हालांकि बेस इसका कुछ भी नहीं, इंसान तो इंसान ही है ना, क्या बदल जाता है, मैं अगर मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, क्रिश्चियन, क्या मेरे में बदल क्या जाएगा, क्या कोई सींग लग जाएंगे, क्या मेरे कान बड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा। और देखिए पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, एक ही कल्चर है, एक ही बोली है, लेकिन कुछ मिसगाइडनेस से ये ब्लास्फेमी लॉ बन गया, किसी की इंटरनल दुश्मनी है उस पर ब्लास्फेमी लॉ लगा सजाए मौत दे। मैंने हजारों लोगों की ऐसी जिंदगी देखी, कन्वर्शन, बच्चियां छोटी छोटी उठाओ 12 साल की और 40 साल 50 साल के बूढ़े से उसकी शादी कर दो,
फिर वो कहते हैं कि ये लव अफेयर है क्या, एक 12 साल का बच्चा 40 साल के बूढ़े से प्यार कर सकता है, क्या ये लव अफेयर हो सकता है? ये जो सोशल आइवल्स हैं, सोशल बुराइयां हैं, उनकी ओर बेसिक ध्यान देना चाहिए। ये प्राइमरी है, यहीं से एक बड़ा बनेगा, यहीं से कोई, अगर हम ऐसा बीज, ऐसा कोई चीज बेसिक नहीं करेंगे तो आगे भी जो है वो ट्री अच्छा बनेगा। आप कांटों का पेड़ लगा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें आम मिलेंगे, ऐसा मुश्किल है। मुश्किल सही कहा आपने सर। एक यूनिवर्सल एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जहां इंसान ही इंसान के काम आ जाए, इंसान ही खुश। बेशक सर, थैंक यू वेरी मच। हम आपकी बातों से बहुत मुस्तफीद होते हैं। मैं कोई एक प्रोग्राम स्पेशली आपके साथ रखना चाहूंगा जब आप फ्री हो, देन वी विल लिसन टू यू। ये मेरी बेटी राबिया है जी। राबिया जी जी, ये मेरी बच्ची है जी। हाँ, पटेल साहब मेरे बड़े, आई रिगार्ड दिस जेंटल नोबल जेंटलमैन। Honored sir, really I feel honored. आपको, आप हमारे बड़े हैं, मैंने आपको पहले भी सुना है, आप जितनी पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, सैल्यूट टू यू सर ऑलवेज। हमारे साथ इस वक्त और चौधरी साहब ने ऐड किया है जी। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, हर इंसान का इंसान से प्रेम प्यार रहे, क्या बात है, यही मेरा स्लोगन है। यही वेलकम तेल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ इस वक्त अदनान कायम खानी भाई भी मौजूद हैं और चौधरी फहीम अफजल कंबो भी हैं, और अभी हमें और भी एक दो लोगों ने ज्वाइन किया है। तो नाउ आप में से कौन बात करना चाहेगा? पहले कंबो साहब आप बोलिए। मेरे ख्याल में कंबो साहब का कुछ सिस्टम में है। अदनान कायम खानी भाई आप बोलेंगे कुछ? अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, मेरी तरफ से इस्लाम पेश हो। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है आतिक भाई, मैं आपको फेसबुक पर बड़ा काफी अरसे से देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ी एक्टिविटीज है। कौमी इश्यूज पर भी आपका अहम किरदार रहा है, इंशाल्लाह आइंदा भी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह आप जो डिजिटल सेनेटर का आपको खिताब मिला है, पाकिस्तानी कौम के लिए अहम किरदार अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अदनान भाई सिर्फ एक दो मिनट में काइंडली जरा ये आज की काविश को आप कैसा समझते हैं, हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में कुछ कि ये जो हम आम लोगों को प्रोविजन दी है, एक्सेस दी है टेक्नोलॉजी के थ्रू। नहीं माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त किरदार है टेक्नोलॉजी में, तो आपको सेनेटर साहब, अपना सेनेट के चेयरमैन साहब ने भी माशाल्लाह बड़ी रिस्पेक्ट दी है। Always. और एक मुझे ज्यादा खुशी इसलिए होती है कि आप ग्रास रूट लेवल से आए, कोई जागीरदार और सरमायादार नहीं है, इंशाल्लाह बेहतरीन किरदार अदा करेंगे आप मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर, और आइंदा भी जैसे ही आपकी मीटिंग होगी इंशाल्लाह मुझे नोटिफिकेशन मौसूल हुआ तो मैं आपके साथ ऑनलाइन जरूर आऊंगा। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। कंबो साहब आप अगर तशरीफ ला चुके हैं तो आप कुछ बोलना चाहेंगे, वरना मैं राबिया को कहूंगा, क्योंकि मैंने ज्यादा लंबा भी प्रोग्राम नहीं रखना, वरना फिर अगली दफा हमारे साथ कोई बैठेगा नहीं, तकरीबन 2 घंटे होने वाले हो गए। और सेलिब्रिटी ग्रुप तो अपना टाइम वैसे ही बड़ा कैलकुलेटेड रखते हैं। आई नो यू गॉट अ वेरी प्रेशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच दैट यू ज्वाइन। हर शख्स जो भाई ने हमारे ज्वाइन किया। हसीब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वेलकम सर। मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने आज तक तो जितने सियासतदानों को देखा है वो दस्ते गिरेबां होते देखा है, तो ये पहली दफा किसी सियासतदान को मैंने लाइव ये इस तरह का प्रोग्राम करते हुए। मैं सियासतदान हूँ नहीं ना, ये तो मैं सर आप वाकई में
सर ये मैं वैसे सरप्राइज हूँ कि ये कैसे कोई एक सेनेटर, एक सेनेट से उठ के बंदा और इस तरह से आम आवाम के अंदर जो है वो बैठा हुआ है और बातें सुन रहा है, तो सर ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आपने ये कैसे कर लिया सर? ये आज तक तो ये कभी हुआ नहीं है। 3 दिन पहले तकरीर की और मैंने एक बात कही कि जिसने गरीबी नहीं देखी खुद से वो गरीब का दर्द कैसे जानेगा। ठीक है, जब आपने आधी बाल्टी पानी में नहाया होगा और इस्लामी तरीके से तो आपको पानी की कदर होगी। जब आपके पास पैसे नहीं तो आप बगैर टिकट के सफर नहीं कर रहे बस में, आप बस के साथ साथ चलते हुए पैदल जा रहे हैं, क्योंकि मां जाके अगर पूछेगी और उसको पता लगेगा तो वो जूती उतार के मारेगी। हमारी तरबियत जो है वो उस माहौल में है। पैसे होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंसान को इंसानियत का जो दरवाजा है वो नहीं छोड़ना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच ब्रदर, यू अप्रिशिएटेड। कोई आपकी अगर किसी किस्म की आपकी किसी किस्म की कोई तजवीज हो तो जरूर बताइए भजन लाइव शो में। सर बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आप आम आवाम की ये आवाज़ सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कि जैसे ये उनकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो उनके मसाइल भी अगर हल होते हैं साथ साथ में तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सर। ये एक ट्रू इस्लामिक पिक्चर है सर जो आप क्रिएट कर रहे हैं। भाई मैंने तो मैं सर हमारे सामने, मुझे नहीं पता आपके सामने ये बात आई या नहीं, हमारे यहाँ एक सरफराज भाई मक्का से हमारे साथ हैं और वो मैं नहीं जानता। जी बिल्कुल मैंने सुना सर। हाँ देखिए, और मेरी मैं अल्लाह मुझे तौफीक दे, मुझे उस वक्त से ये अंदर अब खलबली मची हुई है, मुझे अब खाने खाने का फिक्र नहीं है, सोने का फिक्र नहीं है, मुझे वो लेटर बनाकर वहां भेजने का फिक्र है। और कल सुबह में मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि किस तरह मैं जाके अपने फॉरेन मिनिस्टर को पकड़ता हूँ, किस तरह मैं जाके अपने ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर को पकड़ता हूँ और उन्हें कहता हूँ खुदा के लिए ये देखें ये 300 लोग 300 पाकिस्तानी वहां पर बैठे हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, देखिए हमें ये लीगल पहराए में देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ऑनबोर्ड करूंगा एम्बेसी को कि एम्बेसी के लोग जाएं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली अंडर माय कमांड, उनका दे आर सपोज टू गो एंड गेट द इंफॉर्मेशन एंड देन पास ऑन टू मी। अगर सही ये हुआ कि जी इनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है, हर पाकिस्तानी इंशाल्लाह इनके साथ खड़ा होगा। और हम आपसे सबसे दरखास्त होगी इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे लेकर आएंगे, कहेंगे पूरे पाकिस्तान को बताओ जितने जिम्मेदार हैं और इसका हैशटैग बनाकर चलाएंगे कि 300 पाकिस्तानी वहां फंसे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उसका नोटिस लें। और जिस दिन मैं सेनेट में जाऊंगा, कल ही जाना है मुझे, कल शाम को, शाम में मैं ये बात सेनेट में भी करूंगा कि मिनिस्टर साहब भी इसका बोले, दैट्स व्हाट आई कैन डू। इसीलिए ये ओपन कचहरी कहते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। और कोई साथी हमारे, वरना राबिया अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता, आपसे फिर बात होगी जरूर। फहीम कंबो साहब आ गए, फहीम अफजल कंबो, माय ब्रदर, बिग ब्रदर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आनंद, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। सॉरी अनम्यूट हो गया। नमस्कार नमस्कार, एक दो बातें कहूंगा। देखिए प्लीज वेलकम सर, प्रैक्टिकल पर्सन मैं। पहले तो राबिया जी को नमस्कार, कहता है पहले गुरु तब भगवान, तो राबिया ने आपसे मेरे को हमेशा कनेक्टेड रखा। यू आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क, नहीं रियली अमेजिंग वर्क। मैं एक छोटी सी अर्ज करता हूं आपसे कि एक साल पहले मुझे एक फोन कॉल आया औरंगजेब का जी। मैं हिंदू हूँ, औरंगजेब का माई बेस्ट फ्रेंड, सोचिए जरा, कहता है कि मैं कैटल फार्म स्टार्ट करना चाहता हूँ जो मेरे दादा ने किया था और कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सर एक कैटल का क्या दाम है? बोलता है 125 पंप। नेक्स्ट डे आई सेंट हिम, आज हमारे पास 52 कैटल हैं तंडो अलियार में, इसमें 15 मेरे हैं। आगे सुनिए, ये पाकिस्तानी मुसलमान लोग इतने नरम दिल हैं सिंध में, बिकॉज इनके वर्कर सारे हिंदू हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये जितने गाय जब जाएंगी डॉक्टर आनंद के वजह से, विल ओनली डू बफलो फार्मिंग, बिकॉज हम गाय को जबा नहीं कर सकते, डॉक्टर आनंद को तकलीफ होगी। कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। तो इंसान का दिल वही होता है। बस इतना ही कहना था, दिल से प्यार कीजिए। और एक बात और है, अगर पाकिस्तान को ऐब है तो क्यों बता रहे हो भाई? बंगला में कहावत है, किसी को एक आंख खराब है तो अच्छी बात की है। बहुत अच्छी बात, 110%
और राबिया को मैंने अपना बेटी बना लिया, अडॉप्ट कर लिया, मैं उसका चाचा हूं सर। ये तो थैंक यू सर। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, बोलिए ना। मैं आपका छोटा भाई हूँ इसलिए मैं कहूंगा एक जरा गुनगुना के कोई दो चार लफ्ज आपके जो दिल में आए तुरंत। मैं तो वो जरूरी है, जरा जितने साथी देख रहे हैं उनको ये लगेगा कि यार ये भी होती है। प्लीज मान मेरा एहसान, अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। रूपनगर की धूप न भरती, रूप तो होता उसने तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। इसकी बात यह है कि दिलीप कुमार यूसुफ खान कभी टेलीविजन पर चल रहे थे, मैं बदमाशी में उसको दिखा रहा था दिल्ली को लाहौर से। वो कहते हैं कि ये तो कनॉट प्लेस है, ऐसे नहीं है, ये पाकिस्तान है। बोलता हो नहीं सकता है, हिंदी गाना है। मैंने तब उर्दू राइटिंग दिखाया, कहता अरे ये तो कनॉट प्लेस ऐसा लगता है, ये तो आपका मॉल रोड है लाहौर का। ऐसे यार हमारा स्ट्रक्चर एक ही, हम एक ही लोग हैं, एक नकली बॉर्डर बना हुआ है, दिलों को आप अलग नहीं कर सकते। वाह वाह, सैल्यूट टू यू सर, सैल्यूट टू यू, थैंक यू वेरी मच, आई फील ऑनर्ड, माय ग्रेट प्लेजर, चीफ लाए सर, बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिएगा कि हम इस काम को आगे लेकर जाएं। गॉड ब्लेस यू, आई एम सो ग्लैड कि आप सुपरवाइज कर रहे हैं इस लड़की को, ये पहुंचेगी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन सर। हम सब लेकर जाएंगे, हम सब लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया सरदार, थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, वेलकम। आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज ओवर टू यू। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैं तो अभी हाजिर हुआ हूँ आपके सामने, मुझे खुशी है कि जो भी साहब जिन्होंने ये डॉक्टर साहब ने बात की मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको पता है कि कश्मीर के अंदर बहुत ही जुल्म और सुतम हुआ, कोई भी इंडिया का शख्स ये नहीं चाहता है कि ये जुल्म और सुतम हो। ये जो मोदी साहब हैं इनको चाहिए कि ये जुल्म और सुतम बंद करें, पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक होके दुनिया के सामने गुरबत का मुकाबला करें, बल्कि कत्ले आम बंद हो जिससे आसानी से दुनिया जिंदगी गुजारे। जो के कश्मीर के बच्चे आज कत्लो गैरत वहां एक साल से कर्फ्यू, ये चीजें खत्म होके हम आपस में मिलके इस खित्ते की हालत बेहतर करें। आपको पता है कि इंडिया के अंदर जितनी गुरबत है वो आदमी सोच ही नहीं सकता है। ये जो बड़े बड़ा असला खरीदते हैं उसको खरीदने के बजाय हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, उनके उनके लिए जाबे, उनकी जाबे की तलाश करें। ये नो ये आज पूरी दुनिया के अंदर तुम जितना भी पैसा असला के ऊपर खर्च होता है, अगर ये लोगों के ऊपर खर्च हो तो गुरबत जो है बिल्कुल खत्म हो सकती है। गुरबत का मुकाबला करें, बल्कि इंसानों को कत्ले आम बंद होना चाहिए। मेरी गुजारिश है इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके अपने खित्ते के लिए बेहतरी कर सकते हैं। सरदार साहब अब मेरी एक गुजारिश है, ये आज मैं थोड़ा सा जरा, आपने चूंकि बाद में ज्वाइन किया, मैं वाजे कर दूं, ये मेरी एक डिजिटल सेनेटर की हैसियत से कोशिश है, एक छोटी सी मेरी तमाम टीम की, रबिया बेटी ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह आप एक आम आदमी की आवाज है उसको जिम्मेदारों तक पहुंचाएं। और ये एक जैसे पहले वक्त में खुली कचहरी होती थी तो ये डिजिटल खुली कचहरी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में कुछ दो लफ्ज कहिए। देखिये ये बहुत अच्छा तरीकाकार जो खुली कचहरी है, इसमें सबका ख्यालात सामने आ जाते हैं। जैसे मेरा, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी आवाज भी आज तक पहुंच गई है। मैं कश्मीर भर के अंदर खुद कफील तहरीक, खुद उगाओ खुद खाओ, खुद कफील तहरीक आजाद कश्मीर के भर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी खुद कफील हो, उसके लिए जो माजूर हैं हम माजूरों को पांव के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। इसी तरह जो अगर पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार लोग हैं वो देखें कि कितने गरीब लोग हैं, हमने इनको पांव के ऊपर खड़ा करना है। हुकूमतें सब कुछ नहीं करती हैं, जब आम पब्लिक जो जब खुली कचहरी में आएगी तो उसमें बहुत बड़े फायदे होंगे। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब। मेरे साथ मौजूद है नदीम मार्स। नदीम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे, प्लीज ओवर टू यू। हेलो Yes, so I have been asked by Fawaz. Hello. Yes, Nadeem, welcome. You would like to listen to me in English or in Punjabi? Whatever you like. Both in are Punjabi. Acha, Rabia and Manu, bada short ja notice deta ki Nadeem bhai, kisi rao te char ghalan sanjiyan karo.
पाकिस्तान च 250 मिलियन लोग रहते हैं ठीक है आई एम अ टीचर आई बीन टीचिंग इन फ्रांस फिनलैंड एंड कैनेडा सम टाइम्स सो माय रिसर्च इज मेरी जड़ी रिसर्च है जेडे तुहाडे इत्थे लोग बैठे ने अद्धे कोई मैं जानते हैं आनंद साहब भज गए हैं क्योंकि उन्होंने मैं फ्रेंड से फोन से वट्सएप से ब्लॉक कर छड़िया क्योंकि उन्होंने मैं शो च नहीं आया टाइम नहीं होंगे मैं जो सदना तो कोई महीना पहला दसना चाहिए अच्छा मेरी जी रिसर्च है ना सेंटर साहब तुम बहुत अच्छा कर रहे जो काम पाकिस्तान से 250 मिलियन लोग रहते हैं जी 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 और उन्होंने सिर्फ 14 मिलियन खवातीन काम कर रही हैं वेरी ट्रू सर मतलब है कि 100 मिलियन खवातीन तो काम करना चाहिए ना अगर पाकिस्तान प्रॉब्लम ही है मेन प्रॉब्लम है लेकिन जो राबिया देखी कि राबिया च एक बड़ी वही ड्रीम है कि दुनिया की 100 वुमेन नाल होना चाहदिया ने तो बड़ी दिल में तसला लभदी वे और आई वुड लाइक टू थैंक यू स्पैशली और अही फ्रेंच आने ब्रावो कि बड़ा वधिया काम तुसी कर रहे जी और वाकई साढ़े पाकिस्तानियों बड़ी माजरत के नाल जो चीज़ा सुनी दियां ने ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੋਰਸ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਲਾਸਫਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਕਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲਾ ਲੱਭਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਹੈ शुक्रिया राबिया खुश हो गए जे थैंक यू सो मच नदीम भाई को मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया और आखिरकार उन्होंने ज्वाइन कर लिया बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला खान हमारे साथ सेलिब्रिटी गुरुजी बाय बाय अपना अब्दुल्ला खान साहब जी अब्दुल्ला खान साहब आप मुझे सुन रहे हैं खान साहब आपको आवाज आ रही है अब्दुल्ला साहब मेरे ख्याल में इनका वो बंद है स्पीकर अब्दुल्ला खान साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे लगता है उनको कोई ऑडियो इशू है हाँ। हम उन्हें देख तो पा रहे हैं जरा देख ले आई थिंक अभी मेरे ख्याल में 2 घंटे हो गए हैं एंड ओवर टू यू राबिया अच्छा लास्ट मुझे लगता है फहीम साहब रह गए हैं समरीन काफी देर से इधर हैं समरीन आप अगर कुछ कहना चाहो तो उनको भी इंक्लूड किया जाए समरीन फहीम साहब और अभी अब्दुल्ला खान साहब ने ज्वाइन किया तो ये मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स में अगर इनकी हमें वैल्यूएबल जो ओपिनियन है सुनने को मिले उसके बाद फिर हम इसको इख्तिताम पे ले जाते हैं अपना माइक अपनी तरफ से ऑन कीजिए समरीन भी सो गई है लगता है अच्छा मुझे लगता है कि वो सुन तो रहे हैं बड़े इनहमाक से लेकिन मुझे लगता है कि बस अब हम लेट्स कंक्लूड अब्दुल्ला खान अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप हमें ज्वाइन करिए अच्छा वो कनेक्ट कर रहे हैं अपनी ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं एक मिनट उनके लिए रुक जाते हैं हो जाए वैसा उनको दोनों ऑडियो एंड वीडियो दोनों का इशू है चलो वो कोशिश तो कर रहे हैं उधर लिखा हुआ आ रहा था लॉगिन हो जाएंगे आप कंक्लूड कीजिए फिर अगर वो आ जाते हैं तो हम कर लेते हैं क्योंकि इट्स मोर देन 2 आवर्स नाउ क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर कोई नहीं आएगा सो मैं जैसे कि सबने आज अपनी जो है ख्याल का इजहार किया और बताया कि भाई उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा कि कोई सेनेटर जो है ना यहाँ आए और इस तरह ओपन एक्सेस दें सो मैं इसलिए ये बात नहीं करी कि मैं आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिल रहा है और जिंदगी में जो मैं करना चाहती हूँ उसमें मैं श्योर हूँ मैं आगे उस टारगेट तक पहुँच जाऊँगी तो मैं इसलिए नहीं कह रही ये इस तरह कुछ कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ आई एम सो ऑनर्ड कि आई मीट अ पर्सन लाइक यू जो कि एक अलग विजन रखते हैं एक अलग सोच रखते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं सो एक कदम लेते हैं और उसके लिए डिपेंड नहीं करते आप किसी पे और आप खुद से करते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स की उन्होंने जो है ज्वाइन किया आज की सेशन में
जो आपने सजेशंस दी, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है उसको हम बेहतरी करके लाएं. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर कि यू आर डूइंग दिस. दिस इज मार्वेलस जॉब एंड दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन दिस लाइक आवर कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक मुझे अभी हमने देखा नहीं सुना नहीं कोई ऐसा कर रहा हूँ. सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच जी. अब हमें कोई ज्वाइन कर सकेंगे? समरीन आपका अगर माइक ऑन है आप बात करना चाहें. और हमारे वो साथी चले गए तो मेरे ख्याल में फिर ये देखिए मैं एक और चीज इस खुली कचहरी का कहूंगा कि हमारे लिए ये स्पेशली माय सेलिब्रिटी गुरु आई स्पीक इन इंग्लिश दैट इज मच बेटर फॉर यू एंड माय अदर पार्टिसिपेंट्स आल्सो कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजीली. इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी एज वेल that so many people from different part of the world, whatever I am doing, they are going to witness it, they are going to stamp it. It means me, myself and my team, we are going on a right direction. That's what, first of all, I want to say. And second thing, what I feel is this, that when we talk about the problems, there are too many problems. Everywhere, everybody got a problem. But individually, everybody is trying to resolve that problem. But I believe when we trying to resolve, get a solution for that problem collectively. So I am pretty sure that if we move collectively, definitely we can get the solution. मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि अकेला बंदा जो है वो एक सिंगल एक कतरे की मानिंद होता है, लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो एक ताकत बन जाते हैं, एक पावर बन जाते हैं. जैसे कतरा कतरा आता है दरिया बनता है और उसी से फिर पूरी दुनिया का निजाम चलता है. तो मेरी आप सबको एक बार फिर दस्त बदस्त दोनों हाथ जोड़कर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी इस काविश को सराहा. और मैं अपनी टीम सारे बच्चे बच्चियां जो मेरे साथ हैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, बिलखसूस राबिया का कि राबिया मेरे साथ हर जो मैं ऐसे ही इधर उधर से भी बोल देता हूं थोड़ा परेशान जरूर होती है लेकिन कुछ ना कुछ सलूशन निकाल लेती है. और मैं आपसे एक और चीज शेयर करूंगा जो जो बच्चे हमें बहुत से लोग जो है वो लाइव भी देख रहे हैं ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनके लिए भी आज ही का ये सबक है. हर रोज इंसान को जिंदगी में हर सांस के साथ एक सबक मिलता है. ये डिपेंड करता है कि हम उस सबक को कैसे लेकर इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी अगली जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाते हैं. राबिया जब मैंने और आपने शुरू किया तो देयर वर जस्ट टू पीपल, मैं और राबिया. 9 बजे जब हमने ऑन किया एक मरतबा मेरे दिल में भी आया कि पता नहीं कोई ज्वाइन करेगा नहीं करेगा क्या होगा, क्योंकि मैंने ये ओपन मैसेज दिया था. और अब मैंने ये कहा है मैं दुनिया में कहीं भी हूं 9 बजे हमारा ये प्रोग्राम हर संडे को जरूर हम लेकर चलेंगे. और अगर हमने देखा कि नहीं इसको बढ़ाने की जरूरत है तो हम इसको हफ्ते में 2 दिन कर देंगे 3 दिन कर देंगे. लेकिन मैं फिर कहता हूं आप सबको मैं अल्लाह से दुआ करूंगा. अभी मैं वजू में हूँ, इशा की नमाज पढ़ के बैठा हूँ, अभी फिर नफल अदा करूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और आप सबके लिए भी दुआ करूंगा और सेलिब्रिटी गुरु भाई के लिए भी दुआ करूंगा. बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट टू मेक द पीस, ही वॉन्ट टू मेक अदर्स हैप्पी. सो वाई नॉट वी ज्वाइन हिम एंड वी ऑल आर सिटिंग हियर. हम दूसरों के दुख दर्द में बराबर का शरीक होना चाहते हैं, उनके दर्द को बांटना चाहते हैं. वरना अपने अपने घर में हमारे पास सब कुछ है. मेरा अपना शाकिर भाई जो है कितने मजे से कंफर्टेबली अपने घर में है, लेकिन अपने बच्चों को ये वक्त देने की बजाय, अपने आप को ये वक्त देने की बजाय, हम सबको सरदार साहब देखे कश्मीर से हैं और इस तरह हमारे सारे साथी जो है ये मैं समझता हूँ अली रजा पंजवानी सिंह से बहुत मसरूफ शख्सियत है, लेकिन फिर भी ये जो हम टाइम दे रहे हैं खुदा हमें इसका अजर देगा इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि हम सब का मकसद एक है और वो मकसद है कि अल्लाह की जो मखलूक है उसके काम आना. और खुदा हमें तौफीक दे मैं आज के हवाले से इंशाल्लाह आई एम बाउंड टू, आप मेरा गरेबान पकड़िए, अगर मैं जो मैंने ये अपने जिम्मे काम लिया 300 लोग वहां फंसे हुए हैं इस आवाज को हम मुख्तलिफ तरीके से आगे लेके चलेंगे. लेकिन मेरा तजुर्बा जिंदगी का ये है, अब वो सरफराज भाई हमारे साथ मौजूद नहीं है, आपसे शेयर करूंगा कि मैं एक मरतबा मालूम कर लूं कि एक्चुअली हकीकत क्या है. अगर वाकई में ही
कंपनी एट फॉल्ट है, इनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। तो इंशाल्लाह आज हम अगर 20-30 लोग हैं जो साथ हैं, कल हम ये 20-30 हजार बन जाएंगे और इस आवाज को हम दुनिया के हर कोने से, हर मोबाइल से, हर व्हाट्सएप से उठाएंगे कि क्यों सऊदी अरब में इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। इसी तरह मैं समझता हूं एक मीटिंग में अगर हमने किसी एक साथी का भला कर दिया तो शायद वही हमारी आखिरत में हमारे बस अल्लाह को कबूल आ जाए और हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, हमारे लिए हर तरह का वो एक सिलसिला बन जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अब दिल तो नहीं कर पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद कहूंगा, नहीं अवामी खिदमत, आम लोगों की खिदमत, मखलूक खुदा की खिदमत, हमें ये देखना चाहिए। मखलूक खुदा किसी मजहब से हो, किसी फिरके से हो, किसी दुनिया के कोने में रहने वाला हो, अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी को रियलाइज हमने ये कराना है। मेरी आप सबसे ये दरखास्त है, खुदारा हम आपके ये आपके क्लिप छोटे छोटे काट के आपको भेजेंगे, आप उसको मैक्सिमम जगहों तक फैलाएं कि ये वाहिद रास्ता है कि जो जिम्मेदारान है, यकीन कीजिए मैंने 4-5 वजीर आजम देखे हैं, हर वजीर आजम ये चाहता है कि मैं एक सेकंड में हर शख्स का मसला हल कर दूं, लेकिन उन तक बात पहुंचती नहीं। वो करना भी चाहते हैं, उनको नहीं करने दिया जाता सही बात। ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर हम उनका एक डायरेक्ट एक्सेस बना दें तो बहुत से लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। जी भाई प्लीज अदनान भाई जी। आतिक भाई इसमें एक और ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की बात कर रहे हैं सऊदी के हवाले से, एक और बात भी जरा नोट कर लीजिए इसमें आप बताइए भाई। आपने सुना होगा चंद रोज पहले मैनचेस्टर में यूरोप के अंदर एक किसी बंदे की डेथ पार्टी आई थी, एक बंदे को जहाज लेकर आया था पीआईए का जी। इसके अंदर देखो हमारे गांव का एक लड़का तीन दिन पहले तकरीबन वहां उसका इंतकाल हो गया था हार्ट अटैक के बाइस जी जी। उसने बुरसा ने बड़ी कोशिश की पीआईए से और पाकिस्तानी सिफारत खाने से, लेकिन उसका किसी ने कोई वहां नहीं सुना किसी भी किस्म का। वो गरीब लोग थे, वो अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे कि वो भी इतना चार्टर्ड तैयारा करवा कर, वो तो वहां मजदूरी कर रहा था बच्चा नहीं। लेकिन तो इसके अंदर बड़ी उनको एक चीज बताइए, देखिए मुझे जो इल्म में है, हमारी जो एम्बेसी है और जो चांसलरी होती है हमारी, ये जो काउंसिल जनरल जहां बैठते हैं, वो उनके पास एक स्पेशल फंड होता है डेड बॉडी को भेजने का। तो अगर वो डायरेक्ट नहीं, अब देखिए ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट तो आ रही है, पीआईए पे मत भेजें, ब्रिटिश एयर पे भेज दें। कोई देखे ना अभी अगर वो नहीं आए अभी तक, मेरी अदनान भाई अगर वो नहीं आए आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे लंदन खुद रब्ता करूंगा, इंशाल्लाह हम इस मसले को कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अतीक भाई वो सऊदीया के अंदर था, किसी रियासत में था अपना, मेरे से रियाज में उन्होंने सऊदी पाकिस्तानी कौंसले से रापता भी किया था, लेकिन वहां उनका कोई नहीं सुना गया दाद फरियाद। उनका रापता और है, आपके भाई का रापता और है जी। समझ ना, सुपुर्द खाक कर दिया है। चले वो तो फिर अब उसकी तो मैं अपने तौर पर कहता हूँ, कभी भी इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह। मुझे चूंकि लॉ का भी पता है, मुझे बजट का भी पता है, मुझे उनके बाउंड होने का भी पता है, तो इसलिए चले अब वो तो फिर जो अल्लाह ने जैसे लिखा था, आइंदा कभी कोई मामला हो आप जरूर मेरा नंबर है बताइए, उसी वक्त हम इंशाल्लाह इन एक्शन आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी जी। बोलिए और एक मिनट के लिए मैं बात करना चाहता हूँ सऊदी अरब के हवाले से। जी सरदार साहब बोलिए प्लीज। कोई बात नहीं, मैं खुद 37 साल बाहर रहा हूँ सऊदी अरब में, जो सफारत खाने हैं वहां आम लोगों की सुनाई नहीं है। एक बार एक शख्स सवारे की गाड़ी चला रहा था एम्बुलेंस, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको एक रुपया इन्होंने सपोर्ट नहीं दी। उस वक्त एक काउंसलर जनरल इफ्तखार साहब थे, चौधरी इफ्तखार साहब, मैं उनके पास खुद गया, वो कहते हैं कि ये अगर यूरोप में होता तो इसे बहुत बड़े बेनिफिट मिलते। तो वहां जो है काउंसलर जनरल जो पाकिस्तान से जाते हैं उनको जो है वो वहां उस तरह का रोल अदा नहीं करते हैं जो दूसरे मुल्कों के स्वर्ग खाने वाले रोल अदा करते हैं। क्योंकि मैं 37 साल बाहर रहा हूँ, वहां का जो तजर्बा मैं रखता हूँ
और आम आदमी इसलिए नहीं रखता कि मेरे लंबा पीरियड में मैंने वहां गुजारा, और वहां जो जुल्म और ज्यादती होती हैं वहां सवारे वाले जाके तर्जमा नहीं करते हैं कि ये मकतबा अमल में केस हैं पाकिस्तानियों के, उनकी फेस करें, वो फेस करने के भी तैयार नहीं है। ये जो जो स्वार्थी बाहर जाते हैं, खदारा इनको स्वार्थियों को ना भेजो, एक काबुल लोगों को बाहर भेजें ताकि वो इस मुल्क के सफीर बन के रहे। क्योंकि हमने वहां कश्मीर कमेटी के हवाले से काम किया, ताइफ के अंदर गरीबों की जो भी हम खिदमत कर सकते हैं की है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो सवारकार बैठे हुए हैं वो उस तरह का रोल नहीं अदा करते हैं, क्योंकि हमें उनसे वास्ता पड़ा, हमें क्योंकि वो जो पाकिस्तान की जो भी पार्टी आती है वो अपने अपने लोग एडजस्ट करते हैं, यह बहुत बड़ा जुल्म है। बल्कि एक पाकिस्तानी जो काबुल आदमी हो, जिसके जो एक जगह फिट होता है उसको फिट करें, बल्कि नालायक लोगों को ऐसे उदू के ऊपर न लगाया जाए ताकि हमारा मुल्क के लोग भी बदनाम हो, वहां जो लोग परेशान है उनका मामला हल करने की जरूरत है, और वहां जो जेलों में है उनको कैसे आजाद कराएं उसके ऊपर जदोजहद करने की जरूरत है। वहां आपको पता है कि सुनाई नहीं है, इसलिए सुनाई नहीं है, वहां शख्सी निजाम है, वहां जो पाकिस्तान की जमहूरियत है इस तरह का नहीं है कि हर आदमी आवाज उठा सकता है। तो इस हवाले से हमारा वहां स्वार्थ खाना एक्टिव होना इतना ही जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। बोल रहे हैं सरदार साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। कोई और भाई कुछ को अगर करना चाहे बात तो कोई ऐसी मसला नहीं है, अदरवाइज ठीक है। राबिया आखिर में सबका शुक्रिया अदा कर दो बेटा। राबिया ने खुद माइक ऑन नहीं किया। अच्छा चलें, मेरा माइक अब ऑन है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने इतने पेशेंस से इस पूरी मीटिंग इस पूरी जो बातचीत है उसको सुना। इट शोज लाइक आप सब जो है इसमें पूरे इंटरेस्ट से सुन रहे थे, तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट संडे को इसको इम्प्रूव वर्जन में लाएंगे, आपका फीडबैक जो आपने हमें दिया उसको भी शामिल करेंगे, और बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी हम ना इसका इख्तिताम पाकिस्तान जिंदाबाद कह के करें ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरे साथ सब कहें ना, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।